इंजीनियरिंग के एडमिशन कंप्लीट हो गए, फार्मेसी की कंप्लीट हो गए, नर्सिंग में भी एडमिशन हो चुके। और हम जो मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग करते हैं, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का MBBS BAMS का एडमिशन कंप्लीट हुआ, एडमिशन हो गया। अब जो अदर स्टेट के एडमिशन है उनके लिए भी कुछ राउंड्स बाकी है, कुछ सीट्स वैकेंट है जिस पर अभी काम चल रहा है। तो ये मेडिकल एजुकेशन हो या फिर मेडिकल कोर्सेज, सभी हेल्थ साइंस के हो, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, लॉ के हो, मैनेजमेंट के, सभी कोर्सेज जो आफ्टर 12, जिसे हम हायर एजुकेशन कह सकते हैं, तो इन हायर एजुकेशन कोर्सेज के लिए जितने भी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है, आज हम उन स्कॉलरशिप के बारे में जानेंगे। और उसी तरह आज हम जानेंगे एजुकेशन लोन, जो एजुकेशन लोन जो मिलता है, अब्रॉड एजुकेशन लोन भी होता है, डोमेस्टिक एजुकेशन लोन भी होता है, इन सब चीजों को आज हम यहाँ पर जानने जा रहे हैं। तो ये जितनी भी स्कॉलरशिप्स हैं और एजुकेशन लोन की जो स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट के भी होते हैं और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर के भी होते हैं। प्राइवेट सेक्टर मीन्स कॉरपोरेशन, जो कॉरपोरेट जगत भी हम उसको कह सकते हैं, कि जिसमें बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, उसी तरह कुछ NGOs होते हैं, कुछ श्रीमंत ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जो अपने लविंग पर्सन के लिए, मतलब माता पिता के नाम से स्कॉलरशिप देते हैं। तो सभी स्कॉलरशिप के क्राइटेरियाज अलग अलग होते हैं। तो ये स्कॉलरशिप के लिए और उसी तरह एजुकेशन लोन के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या प्रोसेस होती है, ये सब भी जानेंगे। उसी तरह लोन मीन्स उसका मतलब होता है कि लोन इंटरेस्ट फ्री भी होता है और इंटरेस्ट वाला भी होता है। तकरीबन सभी लोन जो होते हैं इंटरेस्ट वाले होते हैं। तो फिर इस इंटरेस्ट को 0% किस तरह से किया जाए, कौन से ऐसे सरकार के स्कीम्स हैं जिसमें हमें 0% स्कीम पर लोन मिलेगा। तो ये स्कीम तो आपको पूरी हम बता देंगे, लेकिन उसके साथ में आपको ये भी जानना जरूरी है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, कि मतलब क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं है, ये भी जानना आपके लिए उतना ही जरूरी है। सबसे पहले ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेडिकल एडमिशन अभी स्टार्ट है। एक कृष्णा डीम यूनिवर्सिटी है, डीम यूनिवर्सिटी का आप सब जानते हैं कि बजट बहुत हाई होता है, तो तकरीबन 25 लाख रुपए पर ईयर ये बजट होता है, तो 5 साल के 1.25 करोड़। तो 1.25 करोड़ रुपए का लोन आपको कहाँ से मिलेगा? अगर आपका स्कोर थोड़ा अच्छा है और आप मैनेजमेंट कोटा के बजाय गवर्नमेंट कोटा से, जिसे हम कैप राउंड भी कहते हैं, कि कैप राउंड के जरिए अगर आपका एडमिशन हो जाता है, तो भी आपका जो MBBS का जो पर ईयर खर्च होता है वो 12 लाख, 10 लाख से 12 लाख होता है। उसमें अगर आप EBC, EWS या OBC कैटेगरी से या रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो फिर वो अलग अलग बजट होता है। जैसे हम एक माइमर कॉलेज पूना का देख रहे हैं कि यहाँ पर 11 लाख रुपए ओपन कैटेगरी के लिए जिनका, और बाकी कैटेगरी के लिए 6 लाख है, और फिर जो SC ST होती है उनके लिए 1 लाख होता है। तो जो स्कॉलरशिप की अमाउंट भी होती है वो भी अलग अलग होती है कैटेगरी के हिसाब से, और एजुकेशन लोन की जो अमाउंट होगी वो भी अलग होगी। अब ये या तो 1 करोड़ का बजट होगा या तो फिर आपका 30 लाख होगा। लेकिन वहीं अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन अगर आपको मिल जाता है, तो वहां पर देखिए आपका बजट सिर्फ मात्र 1 लाख रुपए होता है। तो 1 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, मोरल इसका कंक्लूजन यही है कि मेरिट इज द ओनली सोल्यूशन। सिर्फ और सिर्फ या तो आपका बजट अच्छा होना चाहिए या फिर आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए। तो जब स्कोर अच्छा होगा तो आपका अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, आपका बजट कम हो जाएगा, और जब बजट कम होगा तो आपको स्कॉलरशिप और एजुकेशन लोन के लिए बहुत ही कम डॉक्यूमेंट लगेंगे, और वहां पर फिर टर्म्स कंडीशन अलग हो जाते हैं। किस तरह से अलग होते हैं वो भी हम आगे देखेंगे, लेकिन पहले एक बात पहचान लीजिए, आपकी आइडेंटिटी मतलब आपकी पहचान, यही आपकी एलिजिबिलिटी होती है। मतलब आप अगर इंडियन स्टूडेंट्स हैं तो ही इंडिया की स्कॉलरशिप का आपको मिलेगी, NRI है तो आपको नहीं मिलेगी। आपका मेरिट क्या है जैसे मैंने पहले बताया, उसी तरह आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट की स्कॉलरशिप अलग अलग होती है। संपूर्ण भारत में हर स्टेट की एक स्कॉलरशिप होती है, और वहां के कैटेगरी के हिसाब से, देखिए जितने भी कैटेगरी है, रिजर्व कैटेगरी जो होते हैं, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनली उनको एक अधिकार दिया गया है और ये संवैधानिक है, तो उनको स्कॉलरशिप भी जो मिलेगी वो उसी हिसाब से मिलती है। फिर आपका जेंडर मेल है फीमेल है, फिर कम्युनिटी से कौन से बिलोंग करते हैं, देखिए कैटेगरी अलग होती है और कम्युनिटी अलग होती है। आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से अगर बिलोंग करते हैं, जिसमें मुस्लिम, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन, पारसी, सिख,
और ज्यू कम्युनिटी आती है। अभी ज्यू कम्युनिटी जो है सिर्फ महाराष्ट्र में है, माइनॉरिटी में, लेकिन अदर स्टेट में नहीं है। तो इस तरह से हर स्टेट का रूल्स अलग है, हर स्टेट की कम्युनिटी अलग है। तो कहीं गुजर के लिए स्कॉलरशिप अलग है, अगर आप केरला में, तमिलनाडु में जाएंगे तो माइनॉरिटी के लिए, पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो फ्रीडम फाइटर के जो वार्ड्स हैं उनके लिए स्कॉलरशिप है, यूपी में जाएंगे तो स्काउट गाइड वालों को भी स्कॉलरशिप मिलती है। तो हर स्टेट की स्कॉलरशिप अलग है। फिर आपकी कास्ट, जैसे मैंने पहले कहा कि आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं, ओपन है, ओबीसी है, वीजे है, NT1, NT2, हर एक की कास्ट अलग होती है। ऑर्फन के लिए अलग स्कॉलरशिप है, सिंगल गर्ल चाइल्ड। देखिए अभी हमने संसद में देखा कि एक बिल पारित हुआ जिसमें महिलाओं के लिए स्पेशल आरक्षण दिया गया। ऑब्वियसली एजुकेशन फील्ड में महिलाएं आगे हैं तो वहां पर स्कॉलरशिप भी उनके लिए ज्यादा होती है। मुझे बार बार जो बॉयज स्टूडेंट होते हैं, सर आप गर्ल्स स्टूडेंट की स्कॉलरशिप के बारे में बहुत बोलते हैं, बॉयज के लिए क्यों नहीं कहते? तो बॉयज के लिए भी स्कॉलरशिप है, लेकिन अब क्या करें कि गर्ल्स ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, बॉयज पीछे पड़ रहे हैं। आप पढ़ाई कीजिए, आप स्कोर मेरिट में ज्यादा आइए, अपना रेशियो बढ़ाइए, तो ऑब्वियसली आपको भी स्कॉलरशिप आएगी। अब स्कॉलरशिप हो या एजुकेशन लोन हो, आपके साथ में आपकी तो आइडेंटिटी हो गई, लेकिन आपके आइडेंटिटी के साथ में और एक शख्स जुड़ा है, वो है आपके पेरेंट्स, माता पिता। इसमें देखिए पिता का रोल सबसे ज्यादा होता है, जहां पर फादर डेड हो या फिर फैमिली के साथ नहीं रहते, तो ऐसी सूरत में मदर के डॉक्यूमेंट्स वैलिड माने जाते हैं। बट आपके पास लीगल प्रूफ चाहिए कि आपके फादर डेड हैं, तो डेड सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन अगर फादर मदर के और पेरेंट्स के, बच्चों के साथ नहीं रहते, डिवोर्स हुआ हो या फिर सेपरेशन हुआ हो, तो ऐसे वक्त में आपको कोई ना कोई एक लीगल प्रूफ चाहिए जो ये साबित करे कि आपके फादर आपके साथ नहीं रहते। तो ऐसी सूरत में मदर के डॉक्यूमेंट को कंसिडर किया जाएगा। फादर अगर साथ में रह रहे हैं तो मदर के डॉक्यूमेंट को कंसिडर नहीं किया जाता। इनकम क्राइटेरिया जो होता है वो पूरे फैमिली का पकड़ा जाता था पहले, मतलब आपके मदर का इनकम, फादर का इनकम, ब्रदर का, सिस्टर का। लेकिन बाद में एक नया कानून पारित हुआ जिसमें स्टूडेंट का जब भी जहां पर भी इनकम लिखना हो तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ मदर और फादर का इनकम ही कंसिडर किया जाता है। इस बात को ध्यान में रखें। अब तकरीबन होता है ऐसे कि हम सब मदर के आगे हाउसवाइफ लिख देते हैं, ज्यादातर हाउसवाइफ होते हैं, लेकिन अभी कुछ बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है कि मदर का इनकम फादर से ज्यादा है, तो फिर भी जो इनकम सर्टिफिकेट बनेगा वो फादर के नाम से बनेगा। इस बात को भी ध्यान में रखें। आपके पेरेंट क्या करते हैं, अगर आपके पेरेंट ड्राइवर हैं तो उसके लिए भी स्कॉलरशिप है। देखिए अगर ड्राइविंग कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि खुद की व्हीकल हो, मोटर खुद की हो, अगर किसी कंपनी किसी के, लेकिन उसके लिए ड्राइविंग का जो लाइसेंस है और एक बैज बिल्ला कहा जाता है जो RTO ऑफिस से मिलता है। फिर ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स हो, गुड्स कैरियर व्हीकल्स हो या टैंकर हो, तो इसके लिए फिर अलग अलग स्कॉलरशिप उस कंपनीज की भी होती है। मतलब महिंद्रा का ट्रैक्टर है तो महिंद्रा का ट्रक है तो उसकी होगी, टाटा का है तो उसकी होगी, ये सब। स्ट्रीट वेंडर जो होते हैं उनके लिए अलग होती है, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय अगर आप हैं, तो ये सब आइडेंटिटी, आपकी आइडेंटिटी और आपके पेरेंट की आइडेंटिटी, ये सब इस पर बिलोंग करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है आधार कार्ड। अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो आपका आधार कार्ड बैंक से लिंक होना चाहिए, उसी के साथ में बैंक अकाउंट के साथ में एक मोबाइल से लिंक होना जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब 10th 12th में होते हैं तो उनके पास जब आधार कार्ड मैं देखता हूँ तो चाइल्डहुड का फोटो होता है। तो ऐसा ना करें, चाइल्डहुड का फोटो जो होता है, आपको आधार अपडेट करना होता है। आप उसमें से नाम पूरे लाइफ टाइम में 2 बार अपडेट कर सकते हैं, जेंडर तो एक ही बार अपडेट होगा, डेट ऑफ बर्थ भी एक ही टाइम में अपडेट होगी, लेकिन फोटो जो है आपको जब आप 5 साल के होते हैं तब, और जब 15 ईयर्स के होते हैं तब आपको अपडेट करना होता है। तकरीबन जितने भी स्टूडेंट्स आज जुड़े हैं या फिर जो इसके बाद में इस सेशन को देखेंगे, हालांकि रिकॉर्डेड है लेकिन हम रिकॉर्डिंग को वायरल नहीं करते हैं क्योंकि फिर वो ऑनलाइन का मजा नहीं रहता। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं सभी को कहूंगा कि सभी, अब तक का मेरा तजुर्बा रहा है कि जो 12th पास होते हैं वो भी अपने आधार कार्ड का फोटो चेंज नहीं करते। तो पहले चीज तो उसको करें, डेट ऑफ बर्थ। अब देखिए जस्ट अभी एक अब्रॉड का एडमिशन हमने लास्ट ईयर कराया था, उस स्टूडेंट्स का फोन आया कि सर यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो रहा है मेरा, कि मेरे 10th का नाम अलग है, 12th के सर्टिफिकेट में नाम अलग है और उसी के साथ में आधार कार्ड का नाम अलग है, और वो कह रहे हैं कि आधार कार्ड में जो नाम है वही चाहिए क्योंकि आइडेंटिटी प्रूफ, फोटो आइडेंटिटी जो है वो आधार कार्ड है।
ऐसे इसमें आप लोग क्या करेंगे, बच्चे जो अब्रॉड में है अभी, इसलिए सभी आप लोग जितने भी स्कॉलरशिप और एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने आधार कार्ड की स्पेलिंग, आपके 12th और 10th के मार्कशीट पर जो स्पेलिंग है, जिस तरह से नाम है उस तरह से रखें। नो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरनेम फर्स्ट है या इनिशियल नेम फर्स्ट है, ये चल जाएगा, लेकिन स्पेलिंग सही होनी चाहिए। दूसरी चीज, डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ ईयर होगा तो भी उसको अपडेट करके ले लें। अब देखिए, एनएसपी की जो स्कॉलरशिप होती है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप है, लास्ट ईयर में जितने भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, अब जब अप्रैल महीने में सबके पैसे आने थे, अप्रैल मंथ में नहीं आए, मई मंथ में नहीं आए, जून में नहीं आए, और जुलाई में उनका सर्कुलर आ गया कि हर किसी ने बायोमेट्रिक अपडेट करना है। अब फिर चलिए भागदौड़ शुरू हो गई, कॉलेज लेवल पर, स्कूल लेवल पर, सभी तरफ भागदौड़ होने लगी, और इस भागदौड़ की वजह से प्रॉब्लम ये हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट जो अब नहीं थे, नजदीक नहीं थे, कहीं हॉलीडेज पे गए थे, क्योंकि 4 से 5 दिन का ही टाइम दिया गया था, तो ऐसे बच्चों का प्रॉब्लम हो गया और उन्होंने बायोमेट्रिक को अपडेट नहीं किया, और जिनका बायोमेट्रिक अपडेट नहीं हुआ उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीजें आधार कार्ड से बिलोंग करती हैं, तो आधार कार्ड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, और उसके साथ में बैंक अकाउंट, क्योंकि जितने भी स्कॉलरशिप, अब वो जमाना चला गया कि स्कॉलरशिप आपको कैश में दी जाएगी या फिर डिमांड उसका चेक मिलेगा, जितने भी स्कॉलरशिप्स आपको मिलते हैं वो आपके बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफर कर किए जाते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट इसको कहा जाता है, नया ट्रेंड है, और इसके लिए जरूरी है कि आपके पास बैंक अकाउंट हो और वो बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक हो। अब बहुत सारे स्कॉलरशिप में अब बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह लिखा जाता था, अब बंद हो गया, अब सिर्फ आधार कार्ड का नंबर आप डालते हैं और बैंक अकाउंट की डिटेल्स नहीं डालते। तो पेरेंट्स स्टूडेंट पूछते हैं कि सर आधार कार्ड, हमने बैंक अकाउंट तो दिया ही नहीं, तो फिर पैसा किस में आएगा? तो देखिए, बैंक अकाउंट अगर आपने नहीं भी दिया होगा तो आधार कार्ड से लिंक जो बैंक होगा उसी में पैसा आएगा। अब मान लीजिए आपके 3 से 4 अकाउंट है, तो फिर किस में पैसा आएगा? तो रिसेंटली जिस बैंक अकाउंट को आपने आधार कार्ड से लिंक किया है, सिर्फ उसी में पैसा जमा होगा। इसमें और एक चीज कहता हूं कि बैंक अकाउंट को आधार कार्ड लिंक करने के लिए बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आपके नजदीकी जो पोस्ट ऑफिस होता है, उस पोस्ट ऑफिस में मात्र 500 रुपीज में आप अपना अकाउंट निकाल सकते हैं, और वहां पर 1 या 2 दिन में आपका आधार कार्ड लिंक हो जाता है। परसों की केस है, एक बच्ची डीम्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, अब महाराष्ट्र में डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए भी एक स्कॉलरशिप है, और 9 सितंबर लास्ट डेट थी, ठीक है, अब उसको बढ़ा के 25 सितंबर, मतलब कल तक वो है, डेट है उसकी, आज रात में अगर किसी कोई डीम यूनिवर्सिटी में है तो उसके लिए मैं आगे बताऊंगा क्या करना होगा, लेकिन लिंक नहीं हो रहा था और बैंक में ये कहा जाता है कि आपका लिंक हमने करा दिया, तो इसलिए जरूरी है कि अगर टाइम कम है और आपको लिंक कराना है तो आप पोस्ट ऑफिस में अकाउंट निकालिए, जनधन अकाउंट बिल्कुल मत निकालिए, वो स्कॉलरशिप के लिए नहीं चलता। अब जो इनकम सर्टिफिकेट, जो मैंने जैसे कहा कि इनकम सर्टिफिकेट तो आपके मदर फादर का मिलाकर होता है, कितना इनकम उसी को फैमिली इनकम कहा जाता है, और उसकी लिमिट होती है, तकरीबन महाराष्ट्र में 8 लाख रुपए लिमिट है, ये पहले बता दूं, पहले 6 लाख थी उसको 8 लाख की गई, और सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम अलग अलग होते हैं तो वहां पर भी अलग अलग लिमिट की जाती है। तो ये जो इनकम सर्टिफिकेट जो आपका होगा, ये सिर्फ और सिर्फ जो ऑथोराइज ऑफिसर होगा, फिर उसमें सब डिवीजन ऑफिसर हो, तहसीलदार हो, तो महाराष्ट्र में तो तहसीलदार के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, तो मेक श्योर कि उनके तरफ से आपने इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है। इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनवाएंगे तो अच्छा रहेगा, वो मैं आपको बता दूंगा आगे। इनकम सर्टिफिकेट हमेशा 3 ईयर्स का निकालिए, उसका ये मतलब नहीं होता कि अगले 2 साल का, लास्ट प्रीवियस 2 ईयर्स का वो इनकम होता है। और इसके साथ में भी इनकम सर्टिफिकेट जब आपको बनवाना है तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, और पहले आपको तलाटी से लेना होता है और उसके बाद में फिर आप तहसीलदार से निकालेंगे। जो गर्ल शादी करने के बाद में भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसे वक्त में उनको इनकम सर्टिफिकेट अपने हस्बैंड का देना होगा। अब आप महाराष्ट्र के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो देख लें कि ये महाराष्ट्र के लिए एक वेबसाइट है, और उस वेबसाइट में जस्ट अ मिनट, महाराष्ट्र के लिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपले सरकार ये एक पोर्टल है, और इसमें अपने आपले सरकार में आपने लॉग इन करना है, अपना एक प्रोफाइल जनरेट करना है, और उसके बाद में आप बहुत सारे सर्विसेज इसमें अप्लाई कर सकते हैं और सर्विसेज का फायदा उठा सकते हैं।
सिर्फ 33 रुपीज में आपको इनकम सर्टिफिकेट यहां से मिल जाता है, लेकिन उसकी जो लिमिट होती है 15 डेज की होती है, तो 15 डेज के अंदर आपको मिल जाता है। तो आप सभी इसका यूज कीजिए, डोमासाइल भी आप यहां से बनवा सकते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आप यहां से बनवा सकते हैं। उसके लिए जरूरी है कि आप यहाँ का बेनिफिट जो एक है कि ये जो इनकम सर्टिफिकेट मिलेगा ये ऑनलाइन मिलेगा, तो ऑनलाइन जब मिलता है डाउनलोड करते हैं तो आप साल में जितने बार भी आपको इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत होती है उतनी बार आप उसकी प्रिंट निकाल सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी भेज सकते हैं। वही आप जब मैन्युअली निकालते हैं तो हार्ड कॉपी एक ही मिल जाती है, वो आप किसी को दे देते हैं। मान लीजिए कि आपने एजुकेशन लोन के लिए दे दिया, फिर जब स्कॉलरशिप के लिए वापस अलग निकालनी होगी, फिर कॉलेज के लिए वापस अलग, तो साल में 3 से 4 बार आपको इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, तो ऑनलाइन निकालेंगे तो उसका बेनिफिट आपको होगा। कास्ट सर्टिफिकेट पे मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं वो यहां पर आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, बाद में पीपीटी भी मैं आपको शेयर कर दूंगा जिस भी ग्रुप में आप ज्वाइन हैं। तो ये कास्ट सर्टिफिकेट क्यों चाहिए, क्योंकि कास्ट के जो स्कॉलरशिप होते हैं ओबीसी एससी एसटी एनटी वीजे, ये जितने भी स्कॉलरशिप होते हैं उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट तो जरूरी है, लेकिन कास्ट वैलिडिटी भी उतनी ही जरूरी है। देखिए स्कॉलरशिप के लिए तो कास्ट वैलिडिटी बाद की बात होती है, एडमिशन के टाइम एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपके पास कास्ट वैलिडिटी का होना जरूरी है। अगर कास्ट वैलिडिटी नहीं होगी तो आपको कास्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और अगर कास्ट के बेस पर आपको कोई सीट अलॉट भी हुई है तो वो सीट कैंसिल की जाएगी, आपको राउंड से बाहर आना पड़ेगा और फिर एडमिशन, जो भी इंजीनियरिंग में इस साल एडमिशन ले चुके हैं, डिप्लोमा में ले चुके हैं या फिर डिग्री में या मेडिकल फील्ड में, सब लोग भली भांति इस बात को जानते हैं कि कास्ट वैलिडिटी का कितना इंपॉर्टेंट है। तो कास्ट वैलिडिटी कब निकाली जाती है, इन शॉर्ट कहता हूँ, एक तो आप 12th में जब होते हैं और प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए जब एडमिशन लेना होता है आपको, तब आप कास्ट वैलिडिटी निकालेंगे। सेकंड, जब आपको जॉब करना है उसके लिए कास्ट वैलिडिटी निकाल सकते हैं, और जब इलेक्शन में खड़ा होना है तो उस वक्त भी आपको कास्ट वैलिडिटी कंपलसरी होती है। कास्ट वैलिडिटी की एक वेबसाइट अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है और उस जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं ऑनलाइन, फिर ऑफलाइन आपको बुलाया जाता है, आपके सभी डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते हैं, और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद में अगर ब्लड रिलेशन में किसी की कास्ट वैलिडिटी आपके पास है तो पहले वो जमा कीजिए ताकि आपको जल्दी मिल जाए। यहाँ पर थोड़ी देर भी हो जाती है, इसलिए जितने भी स्टूडेंट 12th में हैं अभी रिसेंटली 23-24 के लिए 12th कर रहे हैं, उन सब ने अभी कास्ट वैलिडिटी के लिए अप्लाई करें। अगर वो कास्ट से किसी भी रिजर्व कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनको नॉन क्रिमिनल का भी सर्टिफिकेट लगता है, स्कॉलरशिप के लिए भी ये जरूरी है। नॉन क्रिमिनल में अगर आपका इनकम 8 लाख से कम है तो आपको मिल जाता है, अगर 8 लाख से ज्यादा है तो फिर नहीं मिलता। अब बात आती है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जितने भी ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उन सब के लिए 10% का आरक्षण दिया हुआ है, आप सबको पता है। तो ये आरक्षण दो चीजों में, एक तो एजुकेशन में एडमिशन के लिए, और सेकंड जो रिजर्वेशन होगा आरक्षण होगा वो नौकरियों में जॉब के लिए है। बट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ये सर्टिफिकेट ऐसा है कि आपको हर साल निकालना होता है, क्योंकि इनकम बेस है। अगर आपकी इस साल इनकम 8 लाख है, अगले साल अगर 8 लाख से ज्यादा हो गई तो फिर आप इस कैटेगरी से बाहर होते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि 2 साल का इनकम आपका 8 लाख से कम है और 1 साल का 8 लाख से ज्यादा है, तो ऐसे में एवरेज भी निकाला जाता है। तो ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी आपके लिए जरूरी होता है, जिससे आपको स्कॉलरशिप का बेनिफिट होगा, और एजुकेशन लोन के लिए इसका कोई यूज नहीं होता, लेकिन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बेनिफिट एडमिशन का आपको जरूर होगा। अदर डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट है ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पर हर इस पर बताना, डॉक्यूमेंटेशन के लिए हम अलग से लेंगे, क्योंकि आज का जो सेशन हमारा है स्कॉलरशिप और एजुकेशन लोन का है, और ये दोनों सेशन के लिए 1 घंटा भी कम पड़ेगा। सिर्फ स्कॉलरशिप पे मुझे 3 घंटे बात कर सकता हूं मैं, एजुकेशन लोन पर भी 2-2 घंटे बात कर सकता हूँ, इसलिए ये पहला इनिशियल सेशन होगा। यहाँ पर हम स्कॉलरशिप और एजुकेशन लोन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके साथ में प्रोसेस और डॉक्यूमेंटेशन के बारे में रफली आइडिया ले लेंगे, कौन कौन से स्कीम अभी रन हो रहे हैं, कब रन होंगे, और आप उसका बेनिफिट किस तरह से उठाएंगे, और उसके बाद में आपके क्वेरीज को भी लिया जाएगा। जितने भी एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं आपके, एक बात ध्यान में रखें, मैं अभी भी देख रहा हूं कि बच्चे डॉक्टर बनने जा रहे हैं, इंजीनियरिंग बने, इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हैं, सब ले रहे हैं, लेकिन अपने साथ में कैरी करते हैं लंबी चौड़ी फाइल, और उसमें होते हैं सब उनके डॉक्यूमेंट। अब वो जमाना चला गया, अब तो
21st सेंचुरी में हम सब आ चुके हैं, आप सबके पास एंड्रॉइड के अच्छे अच्छे मोबाइल हैं, एक स्टूडेंट्स के पास तो वीवो का था, एक के पास i20 का था, ये मोबाइल का यूज क्या है? सिर्फ बात करने के लिए नहीं है, तो उसमें कैम स्कैनर एक ऐप डाउनलोड कीजिए, कैम स्कैनर से अपने जितने भी डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल उसको स्कैन कीजिए और सिंगल सिंगल पीडीएफ बनाइए और उसको एक स्टोर करके रखिए, इसे गूगल ड्राइव में स्टोर करके रखिए या फिर उसी तरह भी बहुत सारे ऐप भी आ चुके हैं, उस वर्ल्ड बैंक डॉक्यूमेंट बैंकिंग भी कहा जाता है, उसमें स्टोर कीजिए, सॉफ्ट कॉपी सफिशिएंट हो जाता है। प्रॉब्लम कहाँ आता है, देखिए जब आप 12th के बाद में जब प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं तो उस वक्त आपके सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहां जमा किए जाते हैं, फिर जब आप स्कॉलरशिप को अप्लाई करते हैं तो उस वक्त जेरॉक्स कॉपी अपलोड करके नहीं चलता, उस वक्त ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगते हैं अपलोड के लिए। फिर कॉलेज में आप जाएंगे, क्लार्क आपसे किस तरह से बात करेगा, फिर देगा नहीं देगा, रिक्वेस्ट करेंगे, तो ये सब झंझट को क्यों पाले। बेस्ट ऑप्शन है जब भी आप कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं किसी भी ऑफिस में तो मेक श्योर कि उसकी एक सॉफ्ट कॉपी ओरिजिनल आपके पास होनी जरूरी है, ये बहुत जरूरी चीज होती है। पोस्ट एडमिशन डॉक्यूमेंट फॉर स्कॉलरशिप एंड एजुकेशन लोन, मतलब कि अभी आपने एडमिशन लिया और एडमिशन के बाद में, देखिए स्कॉलरशिप हो या एजुकेशन लोन हो दोनों की प्रोसेस जो है वो आफ्टर एडमिशन होती है। बहुत सारे पेरेंट्स बार बार ये जिद करते हैं कि सर हमें एजुकेशन लोन का फॉर्म फिल करना है, स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करना है, और जब पूछा जाता है एडमिशन तो हम ले रहे हैं, तो इसलिए सभी को बता दूं एडमिशन प्रोसेस के बाद में ही आप स्कॉलरशिप और एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के लिए आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट का होना जरूरी होता है। सबसे पहले तो एडमिशन प्रूफ, एडमिशन कंफर्मेशन लेटर, सभी लोग ध्यान से सुने कि एडमिशन कंफर्मेशन लेटर जो है आपके नाम से होता है और वहां पर डेट लिखी होती है कि आपको एडमिशन कहां से मिला है। अब कुछ कॉलेजेस में दिया जाता है, कुछ कॉलेजेस में नहीं दिया जाता, बार बार मांगना पड़ता है, तो उसका सिंपल ऑप्शन है कि अगर आपका सीईटी सेल के थ्रू या किसी भी एमसीसी राउंड के थ्रू या फिर जो भी राउंड होता है हमारा, उस राउंड के थ्रू जब हमारा सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस जो होता है, कैप राउंड जिसको कहते हैं, कैप राउंड का जो अलॉटमेंट लेटर होता है उसे भी सीट कंफर्मेशन लेटर माना जाता है, एडमिशन कंफर्मेशन लेटर। सेकंड होता है कि आपका एडमिशन तो हो गया, एडमिशन कंफर्मेशन लेटर, लेकिन आप वहां पर एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं या नहीं, पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं, तो उसके लिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपका जरूरी होता है। अब बोनाफाइड सर्टिफिकेट में भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि फोटो के साथ अगर बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी मिलता तो ठीक है, हर एक का अपना अपना एक फॉर्मेट होता है कॉलेज का, तो उसकी वजह से नहीं मिलता तो वो जरूरी है। और थर्ड वन है फी रिसीट, कि आपने जो कॉलेज को फी पेमेंट पे किया है एडमिशन के वक्त में या एडमिशन के बाद में, तो अलग अलग रिसीट होते हैं, तो उसमें जिस रिसीट पर ट्यूशन फी लिखा होता है, ट्यूशन फी जिस रिसीट पे लिखा होता है वो रिसीट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो आपको एजुकेशन लोन में भी और स्कॉलरशिप में भी कंपलसरी होती है। हॉस्टल के लिए अलग स्कॉलरशिप्स होते हैं, ओपन कैटेगरी के लिए भी होते हैं, और जो रिजर्व कैटेगरी में से बिलोंग करते हैं उनके लिए हॉस्टल का अलाउंस होता है, भत्ता जिसे हम कहते हैं। तो अब अगर आप कॉलेज के हॉस्टल में रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका सर्टिफिकेट वार्डन का मिल जाता है, एडमिशन की रिसीट मिल जाती है। बट अगर आप हॉस्टल फुल हो गया, आपका जो एडमिशन कंफर्म हुआ वो थर्ड लास्ट राउंड में स्ट्रे वैकेंसी राउंड में हुआ, तब तक हॉस्टल के रूम्स फुल हो चुके तो आपको बाहर रहना पड़ रहा है, तो भले फिर आप किसी रिलेटिव्स के आप पेइंग गेस्ट के तौर पर रहते हो या फिर रूम शेयर करके रह रहे हो, फ्लैट शेयर करके अभी पैटर्न आया हुआ, तीन स्टूडेंट्स एक साथ रहते हैं, तो ऐसी सूरत में आप जिसके पास रहते हैं उनके यहाँ पर 100 रुपए के स्टैम्प पर एक रेंट एग्रीमेंट बनवाइए, जो रेंट एग्रीमेंट प्रूफ बहुत जरूरी होता है अगर आपको हॉस्टल की स्कॉलरशिप चाहिए। इन केस ऑफ एजुकेशन लोन, जहां पर एजुकेशन लोन में रिक्वायरमेंट होती है कि आप फीस स्ट्रक्चर तो दे रहे हैं कि हमारा ये फीस स्ट्रक्चर होता है, एजुकेशन लोन में चौथा डॉक्यूमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसे कहा जाता है फीस स्ट्रक्चर, और फीस स्ट्रक्चर जो है ईयर वाइज होना चाहिए, सिर्फ एक साल की फीस स्ट्रक्चर फीस का कोई फायदा नहीं है। अगर आपका कोर्स 4 साल का है, मान लीजिए इंजीनियरिंग का कर रहे हैं तो 1 4 साल का है, और अगर मेडिकल है तो 5 साल का, तो पूरे 5 साल का फीस स्ट्रक्चर चाहिए जिसमें लिखा जाता है ट्यूशन फी कितनी है, डेवलपमेंट फी कितनी है, आपने डिपॉजिट कितना दिया है, ये सब चीजें। और इसमें अगर हॉस्टल अगर आप लेते हैं तो ही आपको हॉस्टल का फीस स्ट्रक्चर दिया जाता है, लेकिन जब आप जब हॉस्टल नहीं लेते हैं तो उस वक्त आपने क्या करना है कि जब बाहर आप रहते हैं
तो हॉस्टल का ये रेंट एग्रीमेंट आपने बनवाना है, और उसी के साथ में जो भी मेस आपने ज्वाइन की है उस मेस का भी एक लेटर पैड होता है, उस लेटर पैड पर अपने नाम के साथ में लिख कर लेना है कि आपने वहां मेस ज्वाइन की है। अब स्कॉलरशिप कौन कौन से आपके लिए पास अवेलेबल है, सबसे पहले तो जान लीजिए कि गवर्नमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हैं, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट की हो। ये दो तरह के स्कॉलरशिप गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में भी फिर कभी कभी यूनिवर्सिटी की भी स्कॉलरशिप अलग से होती है। तो इसमें होता ये है, ये ऑन रिकॉर्ड तो नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं बता दूं कि आप कोई भी स्कॉलरशिप को अप्लाई करो गवर्नमेंट की, तो ये आप वेरिफिकेशन जो है आपके कॉलेज के थ्रू ही होता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स फिर तुक्का लगाते हैं, दो दो स्कॉलरशिप को अप्लाई करते हैं। अब पहली बार जब उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप को अप्लाई किया था तो कोई दूसरा क्लार्क था उसने अप्रूव कर दिया, और फिर 2-3 महीने के बाद में स्टेट की स्कॉलरशिप को अप्लाई किया, और उस वक्त तो दूसरे मैडम थे तो उनको भी पता नहीं, उन्होंने उसको अप्रूव कर दिया। तो ऐसे इसमें दोनों को स्कॉलरशिप, दोनों स्कॉलरशिप मिल जाते हैं। तो उसका देखकर फिर बाकी स्टूडेंट्स आते हैं कि सर हम उसको मिल गई हमें क्यों नहीं, तो अभी उसका लग रहा, लेकिन रूल तो ये कहता है कि आप एक ही स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं, एदर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। बट ये गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप लेने के बाद में भी आप प्राइवेट स्कॉलरशिप बहुत सारे होते हैं जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट स्कॉलरशिप कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, आगे मैं बता दूंगा, लेकिन इस बात को ध्यान में रखें कि आप गवर्नमेंट की एक ही स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं, मतलब एक ही स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं, और प्राइवेट के बहुत सारे हैं। अब देखिए महाडीबीटी स्कॉलरशिप पर जो महाराष्ट्र स्टेट की है, जब आप अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे स्कीम्स होते हैं, माइनॉरिटी की स्कीम्स होती है, ओबीसी की होती है, ईबीसी की होती है, तो आप चाहिए तो तीनों को भी अप्लाई कीजिए, तीनों का सिक्वेंस लगाइए। लेकिन जब आप अप्लाई करते हैं तो नीचे बेनिफिशियरी अमाउंट दिखाई देती है आपको, तो उसमें तीनों में कंपेयर कीजिए कि बेनिफिट आपका कहाँ पर ज्यादा है, बस वो एक स्कॉलर एप्लीकेशन रखिए और बाकी दोनों एप्लीकेशन को कैंसिल कीजिए, सिंपल फंडा है। स्कॉलरशिप अमाउंट डिपेंड्स ऑन द ट्यूशन फी ऑफ द इंस्टीट्यूट प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट। देखिए एफआरए फीस रेगुलेटिंग अथॉरिटी एक संस्था है जो हर कॉलेज की फीस को रेगुलेट करती है। अगर ये ना हो तो फिर कॉलेज वाले आपकी 10,000 की फीस को 1 लाख तक भी लेके जाएंगे। तो इस वजह से जितने भी स्कॉलरशिप्स होते हैं उसी हिसाब से होते हैं कि मान लीजिए आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया और उनकी ट्यूशन फीस जो है वो 1 लाख रुपए है, तो ट्यूशन फी अगर 1 लाख रुपए है तो उसी हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। ईबीसी होगा तो 50% ऑफ होगा, मतलब 50,000 की। तो भी आप कहेंगे कि सर 1 लाख रुपए, लेकिन एडमिशन के टाइम तो हमने 1,35,000 पे किए हैं, जिसमें 5,000 रुपए एडमिशन प्रोसेस चार्ज, 10,000 रुपए लाइब्रेरी डिपॉजिट, या फिर 10,000 रुपए एल्यूमिनी मेंबरशिप। तो इन चीजों का ये जो जितना भी पैसा होता है वो कॉलेज के अकाउंट में जाता है, इसका गवर्नमेंट से कोई कंसर्न नहीं होता है। आपकी ट्यूशन फी जो डिसाइड की जा चुकी है उसी के हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। महाडीबीटी पोर्टल का ये आप स्क्रीन पर अपने देख रहे हैं, यहाँ पर आप सभी महाराष्ट्र के स्टूडेंट को, हालांकि ये प्राउड से मैं कहता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप अगर कोई प्रोवाइड करता है वो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है, और स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का ये मेरे 5 साल के तजुर्बे में जब से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ मैंने देखा कि हर वो एलिजिबल कैंडिडेट जिसने अप्लाई किया है उसको स्कॉलरशिप का अमाउंट मिला है, बेनिफिट उसको मिला है। यहाँ पर जो भी हो कैटेगरी हो, क्राइटेरिया हो, इसमें अगर आप अप्लाई करते तो आपको मिल जाती है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होता है कि वहां पर एक लिमिटेशन होता है कि 1 लाख स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं और 50,000 स्टूडेंट्स को मिलती है, तो यहाँ पर वैसा नहीं, हर एक महाराष्ट्रीय स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है। अगर महाराष्ट्र का कोई स्टूडेंट्स अदर स्टेट में एजुकेशन ले रहा है तो ऐसे केस में भी उसको स्कॉलरशिप मिलेगी महाडीबीटी की, बट वो सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होने चाहिए, जैसे एम्स, एम्स होता है, जिपमर होता है, या फिर उसी तरह से जितने भी आईआईटीज है, एनआईटीज है, तो ये जितने भी बड़े बड़े संस्थान है गवर्नमेंट के, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें अगर आपका एडमिशन होता है तो जरूर मिलेगा। अगर आप अदर स्टेट में प्राइवेट में ले रहे तो आपको स्कॉलरशिप महाराष्ट्र गवर्नमेंट की नहीं मिलेगी, बट आप सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप ले सकते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट के आप वेब पोर्टल पर देख सकते हैं, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एनएसपी जिसको कहा जाता है, और ये वेबसाइट की लिंक भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपने अप्लाई करना होता है।
प्राइवेट स्कॉलरशिप की जो मैं बात कर रहा था, प्राइवेट स्कॉलरशिप के लिए आपको दो ऑप्शन है, इसके साथ में और भी बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन सबसे ज्यादा जो कॉर्पोरेट जगत के स्कॉलरशिप आते हैं वो buddyforstudy.com और vidyasarthi.com, ये दो वेबसाइट है, इसको ध्यान में रखें। अपने मोबाइल से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, अपना प्रोफाइल जनरेट कर सकते हैं। आपने करना क्या है, सिंपली अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है, सब्सक्राइब करना है कि मेंबरशिप जो भी है उसकी लेनी है, पेमेंट तो आपको कुछ करना होता नहीं है, और जितने भी स्कॉलरशिप अवेलेबल होते हैं आपके एलिजिबिलिटी के हिसाब से उसको आपने स्क्रॉल करना होता है, चेक करते रहना है कि कौन कौन से स्कॉलरशिप को आप एलिजिबल हैं, और उतने सारे स्कॉलरशिप को आप वन टाइम में अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आपको 1,00,000 रुपए का ट्यूशन फी है आपके कॉलेज की, आपने ईबीसी स्कॉलरशिप ले ली तो 50,000 रुपए आपको मिल गए, अब बचे 50,000, तो उसके लिए आप प्राइवेट स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। और प्राइवेट स्कॉलरशिप बहुत सारे होते हैं और सेक्टर वाइज होते हैं, जैसे मैंने पहले ही कहा कि ड्राइवर लोगों के लिए अलग होती है, टीचर्स के लिए अलग होती है। इसी तरह मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि आप सुनील दत्त को, संजय दत्त को तो आप सभी जानते हैं, उनके फादर सुनील दत्त को भी जानते हैं, लेकिन मदर जो है नरगिस दत्त, उनका वो एक्सपायर्ड हुए थे कैंसर में, तो उनके एक नर्स ने बहुत सेवा की थी और इसलिए उन्होंने नर्सिंग स्टूडेंट के लिए नरगिस दत्त स्कॉलरशिप को शुरू किया और आज तक वो शुरू है। मैंने मेरे 5 साल में तकरीबन 50 से ज्यादा स्टूडेंट जो नर्सिंग में है उनको स्कॉलरशिप का अप्लाई करके दिलवाने में कोशिश की। मैंने दिलवाई, ऐसे मैं कभी नहीं कहूंगा कि ये उनका हक था, बस एक उनको स्कॉलरशिप की मालूमात दी, एप्लीकेशन उन्होंने जो डॉक्यूमेंट थे दे दिए, तो 45,000 की स्कॉलरशिप उनको आ गई। तो ऐसे बहुत सारे स्कॉलरशिप होते हैं प्राइवेट के, जिसमें अगर आप देखेंगे सीमा खतीब स्कॉलरशिप, ये सीमा खतीब स्कॉलरशिप का जब तक मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाया था तब तक बहुत हर किसी को मिलती थी, अब इसके इतना अवेयरनेस हुआ है कि साल में 2-2 बार फंड इसका निकालना पड़ता है जो भी स्कॉलरशिप को प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें अगर आपको 10th में 90% से ज्यादा मार्क्स हैं तो आप 11th और 12th में अगर जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 50,000 की स्कॉलरशिप आपको मिलती है। बट ये स्कॉलरशिप का एक प्रॉब्लम है कि पूरी तरह से ऑफलाइन होती है और इनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर जो होता है उस पर कोई कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता, और मेल करेंगे तो मेल का भी रिप्लाई बहुत कम आता है। बट इनका जो फंड होता है उस हिसाब से ये सभी को, जितने भी स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन है सभी को स्क्रूटनाइज करते हैं, कॉल करते हैं, जिनका भी सिलेक्शन होता है उनका जायजा लेते हैं और उनको चेक प्रोवाइड करते हैं। तो ये सीमा खतीब की स्कॉलरशिप। लेकिन इसमें और भी एक चीज है कि अगर आप, चलिए आपको अभी पता चल गया आपकी 12th भी हो गई तो भी प्रॉब्लम नहीं, अगर आप बी फार्मेसी, एमबीबीएस, बीटेक वगैरह को अप्लाई अगर आपने एडमिशन लिया है तो भी आपको साल को 10,000 की स्कॉलरशिप यहाँ से मिलेगी। इनकी जो वेबसाइट है यहाँ से आप डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, उनका जो ऑफलाइन जो फॉर्म होता है। और वैसे भी आज जब आपको सब मैसेज मिला था स्कॉलरशिप और एजुकेशन लोन के सेशन के बारे में, तो वहां पर नीचे देखिए टेलीग्राम चैनल की एक लिंक, आज ही टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया है, इसके पहले अलग अलग ग्रुप थे व्हाट्सएप पर स्कॉलरशिप वगैरह के, तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं कि जो अभी नया जुड़ा है वो पिछले स्कॉलरशिप को या पिछले कमेंट्स को नहीं देख पा रहा था। तो टेलीग्राम का जो चैनल सिर्फ और सिर्फ स्कॉलरशिप और एजुकेशन लोन के लिए बनाया हुआ है, आपने जो भी मैसेज पढ़ा उसमें लिंक है नीचे, और चाहे तो चैट बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा अभी, उसके जरिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहां पर बिल्कुल भी चैटिंग नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको अपडेट्स मिलेंगे कि कौन सी स्कॉलरशिप कब स्टार्ट हुई, उसकी लास्ट डेट क्या है, क्राइटेरिया क्या है, और जब भी अलॉट होती है तो उसके बारे में लिस्ट भी आ जाएगी। अब अब्रॉड का जो स्टूडेंट जा रहे हैं, फिर वो एमबीबीएस के लिए जा रहे हो, बीटेक के लिए जा रहे हो या एमसीए के लिए जा रहे हो, तो अब्रॉड को अगर स्कॉलरशिप आपको चाहिए तो ascholarship.com, ये पोर्टल है प्राइवेट स्कॉलरशिप का, ascholarship.com। तो ये जो पोर्टल है, इस पोर्टल पे के जरिए आप जितने भी स्कॉलरशिप्स होते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में उसको अप्लाई कर सकते हैं। प्लस वी मेक स्कॉलर, ये जो आप इसके साथ में देख रहे हैं vmakescholars.com, ये फंडेड बाय आईटी डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है उनके थ्रू इसको रिकॉग्नाइज किया गया है, और यहां पर आपको मिलता है एजुकेशन लोन फॉर एब्रॉड। जिस तरह से आप वेब सीरीज देखते हैं ना, तो YouTube पर अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे इनके वीडियोस भी आपको देखने मिलेंगे। हालांकि इसमें से बहुत सारे स्कीम्स का मैंने भी वीडियो बनाया है, तो मालूमात सेंटर जो अपना YouTube चैनल है वहां पर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं कि किस तरह से स्कॉलरशिप कौन सी है, एजुकेशन लोन कौन सा होता है, क्या उसके प्रोसेस है, अप्लाई करना कैसे है, सभी वीडियोज आपको स्कॉलरशिप और एजुकेशन लोन से रिगार्डिंग सभी मालूमात सेंटर पर मिल जाएंगे।
तो मैं कह रहा था वी मेक स्कॉलर, तो इसमें बेनिफिट ये होता है कि अगर आपके पास कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं है, आपके पास बैंक को गिरवी रखने के लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और ना ही आपके पास कोई गारंटर है या फिर कोई गारंटी देने के लिए तैयार नहीं, तो ऐसे केस में अगर आपका मेरिट अच्छा है और आपको एडमिशन कैपराउंड थ्रू मिला है, तो इस ऐसे सूरत में आप वीमेक स्कॉलर को एक कॉल रजिस्टर कीजिए, कॉल बैक उसको कहा जाएगा, आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, आपको कॉल आएगा, आपके पूरे डिटेल्स लिए जाएंगे, और डिटेल्स लेने के बाद में आपको उनकी तरफ से फुल्ली सपोर्ट किया जाएगा एजुकेशन लोन दिलवाने में। अब इसके लिए आपने करना क्या है, बस एक ही काम, जैसे मैंने कहा कि टेलीग्राम का जो अपना चैनल है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको सभी को सब कुछ अपडेट्स आपको आते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपके मैसेज में दी गई है, चैट बॉक्स में भी अभी मैं डाल रहा हूँ, और उसी के साथ में ये जो नंबर आप देख रहे हैं, इस नंबर पे आपने कॉल बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको कोई कुछ समस्या हो, कहीं कोई स्कॉलरशिप का प्रॉब्लम हो, तो आप इस पर अपना व्हाट्सअप मैसेज, व्हाट्सअप का एक मैसेज लिख दीजिए, सिंपली आपको 24 आवर्स में रिप्लाई आ जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट, देखिए मैं तो यही कहूंगा कि जब आप बीटेक कर रहे हैं, मेडिकल में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या फिर बीएससी भी कर रहे होंगे, तो भी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, हम गाइड आपको करेंगे। लेकिन अगर फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे दिक्कत हो रही है, तो इस नंबर पे आप बता दीजिए, डॉक्यूमेंट सेंड कीजिए, आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म वहां पर से फिल करके आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी। ये हो गया प्रोसेस का। यूट्यूब चैनल जो मैंने कहा कि मालूमात सेंटर बाय MMNF, ये यूट्यूब चैनल है, इस चैनल पर सभी स्कॉलरशिप, फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, स्टेट गवर्नमेंट के हो, या फिर प्राइवेट सेक्टर के हो, इनके पूरी मालूमात दी गई है। इसीलिए इसका मालूमात इंफॉर्मेशन मालूमात सेंटर, मतलब एक ऐसा सेंटर जहां पर हर एक एजुकेशनल स्कीम की मालूमात आपको मिलेगी और डिटेल में मिलेगी, मतलब उसको हम इंफॉर्मेटिव वीडियोस कह सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उसका लोगो और उसका चैनल, मतलब आपको ढूंढने में आसानी होगी। अब बात करते हैं, 9:42 है, 45 मिनट्स में मैंने सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन आपको बता दिया। अब बारी आती है यहाँ से स्कॉलरशिप के पीपीडीज की, स्लाइड्स की, कि कौन कौन से स्कॉलरशिप है, कितने हैं। तो मुझे तो लग ही रहा है कि एक सेशन और एक दो तीन सेशन लेने ही पड़ेंगे, तब जाके सभी स्कॉलरशिप के मालूमात आपको होगी। सिंपली जितना फास्ट हो सकता है मैं बता दूं, बाद में अगले सेशन में हम डिटेल में अलग अलग स्कॉलरशिप का, या फिर जब भी जो स्कॉलरशिप का शुरू होगी तो उसकी डिटेल वीडियोस आपको शेयर करेंगे, और कोई सेशन भी ऑनलाइन हम लेंगे, और टेलीग्राम में उसके लिए आपको जुड़ना जरूरी है। तो राजश्री छत्रपति शाहू महाराज ABC स्कॉलरशिप जो होती है सिर्फ ओपन कैटेगरी के लिए होती है, इसमें आपकी जो कुछ भी ट्यूशन फीस है वो 50% आपकी हाफ हो जाती है। फिर आती है डॉक्टर पंजाब राव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता, ये जो स्कॉलरशिप होती है, ये स्कॉलरशिप सिर्फ और सिर्फ ओपन कैटेगरी के लिए होती है, और इसमें हॉस्टल का अलाउंस मिलता है जो 8,000 से लेके 20,000 रुपये, और अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हैं जैसे मुंबई, पुणे, नागपुर में, तो वहां पर 28,000 मिलता है। लेकिन मिलता किसे है, इसके लिए दो शर्तें हैं, एक तो अल्प भूधारक दाखला, कि आपके पेरेंट का जो एग्रीकल्चर जमीन है वो 5 एकड़ से कम होनी चाहिए, उसको मिलता है अल्प भूधारक दाखला, और सेकंड होता है कि आपके पेरेंट रजिस्टर्ड लेबर होने चाहिए, जिसको हम बांधकाम कामगार कहते हैं या कंस्ट्रक्शन वर्कर कहते हैं। अगर आपके पेरेंट में से कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्कर है, तो उसका एक वीडियो मैंने बनाया है मालूमात सेंटर पर, आप देखिए कि उसके लिए क्या क्या स्कॉलरशिप्स होते हैं। आपने अगर उसको अप्लाई किया और कार्ड मिल रहा है, तो फिर आपको हॉस्टल के लिए 28,000 20,000 मिल जाएंगे, और ये दोनों भी नहीं है तो ऐसी सूरत में 8 लाख मिल जाएंगे। अब यहीं पर वो प्रॉब्लम आता है जिसके लिए मुझे बार बार कॉल आते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेजेस आते हैं कि सर हमें तो हॉस्टल नहीं मिला, तो ऐसी सूरत में मैंने पहले ही बता दिया आपको कि आप जहां पर रेंट एग्रीमेंट में रहते हैं वहां पर एक रेंट एग्रीमेंट बनाइए जहां पर रेंट रहते हैं, और उसको सबमिट कीजिए। अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी के कॉलेज आपको मिला है, आप अप डाउन कर रहे हैं साइकिल से या फिर टू व्हीलर से, और आप हॉस्टल के लिए डाल रहे हैं, क्योंकि मिनिमम 20 किलोमीटर का डिस्टेंस चाहिए आपके आधार कार्ड एड्रेस पर और इंस्टीट्यूट में। इसके बाद में फिर आता है ओबीसी स्कॉलरशिप, अगर आप ओबीसी कास्ट से बिलोंग करते हैं और आपने प्रोफेशनल कोर्सेस में एडमिशन लिया है और आपके पास कास्ट वैलिडिटी भी है और नॉन क्रिमिनल भी है, तो ओबीसी स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, जिसको पोस्ट मैट्रिक ओबीसी स्कॉलरशिप कहा जाता है।
इसमें भी दो तीन तरह के स्कॉलरशिप होते हैं। एक में आपकी ट्यूशन फीस हाफ हो जाती है और दूसरे में आपको अलाउंस भी मिलता है जो स्टेशनरी वगैरह चीज के लिए मिलता है। जिस तरह से ओबीसी को ट्यूशन फी हाफ होती है, तो एससी एसटी कैटेगरी के लिए पूरी ट्यूशन फी ही माफ होती है। डेवलपमेंट फी भी 10% होती है या फिर माफ होती है। तो ऐसे वक्त में उनकी भी स्कॉलरशिप, उनका जो डे स्कॉलर का अलाउंस होता है और उसी तरह हॉस्टेलर का भी अलाउंस होता है, दोनों अलाउंस में से जो एलिजिबल होगा वो अलाउंस उसको मिलेगा। एक चीज यहां पर मैं भूल गया जो आप सभी को बता दूं कि मतलब आपकी फीस है 1 लाख रुपए और आपने ओबीसी में से एडमिशन लिया तो आपको 50,000 रुपये ही उस वक्त भरने होते हैं। तो आपने 50,000 भरे, इसका मतलब है कि आपको 50,000 रुपये की ओबीसी स्कॉलरशिप कॉलेज ने दे दी। लेकिन फिर कॉलेज को 50,000 रुपये देगा गवर्नमेंट, तो वो कब देगा? गवर्नमेंट कब देगी? जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करेंगे। तो स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करने के बाद में ये 50,000 रुपीज कॉलेज को जाएंगे और आपको मिलेगा अलाउंस। और फिर अगर आप सोचेंगे कि सर मैं क्यों भरूं जब मुझे कुछ मिलना ही नहीं है, तो आप अगर नहीं भरेंगे तो जो 50,000 रुपये आपको कंसेशन जो मिला है ना कॉलेज से, वो आपको पे करना पड़ेगा। इसलिए हर एक, जब आप कैटेगरीज का बेनिफिट ले रहे हैं तो उसकी स्कॉलरशिप को भी आपने अप्लाई करना होगा। माइनॉरिटी कम्युनिटी, जिसे मैंने हमेशा कहा है कि मुस्लिम, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन, पारसी, सिख, इनके लिए माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप होती है, जो पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट की 25,000 थी। यहाँ पर भी 25,000 ही लिखा है मैंने, क्योंकि पीपीटी मैं करेक्शन नहीं कर पाया, जो बढ़कर अब 50,000 हो चुकी है। इसमें एक बेनिफिट है कि अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और आपका एडमिशन भले मैनेजमेंट कोटा से या स्पॉट राउंड से इंस्टीट्यूट लेवल पर हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं। इसलिए मैंने नीचे लिखा है इंस्टीट्यूट लेवल और स्पॉट राउंड एडमिशन स्टूडेंट्स आर एलिजिबल। बहुत सारे कॉलेजेस नहीं कहते, तो उस वक्त आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, आपको पूरी तरह से हम हेल्प करेंगे। और ये स्कॉलरशिप भी महाडीबीटी पर ही आपको अप्लाई करनी होती है। अब 50,000 जो अमाउंट है ये प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए है, डिप्लोमा के लिए नहीं है, इस चीज को ध्यान में रखें। TFWS ट्यूशन फी वीवर स्कीम, ये स्कीम के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता, जब तक पता चलता है लेट हो चुका होता है, क्योंकि एडमिशन के वक्त में ही आपने इसको अप्लाई करना होता है। जो मेरिटिशियस बच्चे हैं, जिनका मेरिट अच्छा है और जिनका मतलब टॉप रैंकिंग वाले बच्चे हैं, इन्होंने इसको जरूर अप्लाई करना चाहिए। इसमें होता है कि आपको सिंगल रुपया भी फीस कॉलेज को देना नहीं होता है, आपकी पूरी फीस माफ हो जाती है। अगर 100 की इनटेक कैपेसिटी किसी कॉलेज की, तो उसमें से 5 बच्चों को TFW स्कीम मिलती है। तो इसमें आपकी पूरी पूरे पूरे कोर्स का पूरा खर्चा माफ हो जाता है, मतलब आपको कुछ भी पे नहीं करना है, पूरी तरह फ्री में आप एजुकेशन ले रहे हैं। लेकिन जब आपने TFW को अप्लाई किया, आपको नहीं मिली, तो आप दूसरे स्कीम को अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपको TFW में से सिलेक्शन हुआ और आपको स्कॉलरशिप मिल गई है, तो ऐसे वक्त में आपको फिर करना क्या है कि दूसरी किसी भी स्कॉलरशिप को अप्लाई नहीं करना है। अदरवाइज आप ये भी लेंगे, वो भी लेंगे, और बाद में जब आप लिविंग सर्टिफिकेट के लिए जाएंगे तब वहां पर आपको बताया जाएगा कि आपने ये डबल स्कॉलरशिप ली, इसको पे कीजिए। तो इस बात को ध्यान में रखें। जितने भी आप स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं, ध्यान में रखें कि आपको 2 इंस्टॉलमेंट में आएंगे, पहला इंस्टॉलमेंट हाफ और बचा रिमेनिंग हाफ बाद में। कब बाद में? जिस वक्त आपका 75% अटेंडेंस, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर से 3 नंबर कॉलम में लेफ्ट में लिखा हुआ है लेस देन 75% अटेंडेंस, तो एप्लीकेशन रिवर्ट हो गया और उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए जो प्रोसीजर थी वो वापस से करनी पड़ी। तो इसको ध्यान में रखें। और जितने भी स्कॉलरशिप को जब अप्लाई करते हैं, तो उसका LogIn ID पासवर्ड आपके पास रहना चाहिए। जो आप मोबाइल यूज करते हैं वही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कीजिए, ताकि हर एक मैसेज, नोटिफिकेशन, अपडेट आपको आएगा टेक्स्ट मैसेज के जरिए, और उसमें आपको समझ में आएगा कि स्टेटस आपके स्कॉलरशिप का क्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्कॉलरशिप होते हैं वो ग्रेजुएशन के लिए भी होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए वो होते हैं। 10,000 से लेकर 30,000 पर एनम ये स्कॉलरशिप होते हैं, जिसमें सेंट्रल सेक्टर की स्कीम होती है। फिर मेरिट कम स्कॉलरशिप होती है जो 25,000 से लेकर 30,000, 25,000 जो होती है वो होती है डे स्कॉलर के लिए और 30,000 जो है वो हॉस्टेलर के लिए होती है। अब देखिए रेट ऑफ स्कॉलरशिप अगर देखेंगे तो कोर्स फी कितनी होती है उसके हिसाब से, इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी, या फिर हम उसको अपंग विद्यार्थी कह सकते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी
अलग अलग स्कॉलरशिप होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की अलग होती है और जो जो मंत्रालय होता है हर एक का डिपार्टमेंट अलग होता है, तो विकलांग डिपार्टमेंट के थ्रू जो स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है वो भी अलग होती है, तो कोई एक ही लेंगे गवर्नमेंट की, लेकिन ये अच्छे स्कॉलरशिप होते हैं और ये स्कूल लेवल से होते हैं, इस बात को भी ध्यान में रखें। इसमें एक चीज है कि पहले इसके लिए इनकम क्राइटेरिया, जैसे मैंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र में इनकम 8 लाख तक होती है, लेकिन सेंट्रल में जब आप जाते हैं तो प्री मैट्रिक के लिए 10 से पहले आपको 2.5 लाख होना चाहिए और उसके बाद में 6 लाख। पीजी जो पोस्ट ग्रेजुएशन इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप है वो सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए होती है, जो 36,200 पर ईयर आपको मिलती है। डिप्लोमा के लिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं और स्पेशली गर्ल्स, उन्होंने प्रगति स्कॉलरशिप को अप्लाई करना चाहिए। क्यों करना चाहिए कि मान लीजिए आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में एडमिशन हो गया और आपको स्कॉलरशिप, आपकी फीस है 6,000 रुपये या 10,000 रुपये, तो आप अगर वहां पर ईबीसी ओबीसी माइनॉरिटी कोई भी स्कॉलरशिप लेंगे तो आपको सिर्फ 5,000 का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन वहीं अगर आप प्रगति स्कॉलरशिप को अप्लाई करेंगे तो यहाँ 50,000 का बेनिफिट आपको मिलता है। हर साल आपको 50,000 रुपीज मिलते हैं, जिसमें आपको स्टेशनरी के लिए, बुक्स के लिए और बाकी सब आपके सॉफ्टवेयर इक्विपमेंट्स वगैरह के लिए मिलते हैं। तो ये ध्यान में रखें कि अगर आप डिप्लोमा टेक्निकल एजुकेशन, उसी तरह डिग्री टेक्निकल एजुकेशन के फर्स्ट ईयर या डायरेक्ट सेकंड ईयर, मतलब आपने डिप्लोमा किया है और फिर डिग्री कोर्स के लिए आप गए डायरेक्ट सेकंड ईयर को, तो ऐसे सभी गर्ल्स के लिए जो है प्रगति स्कॉलरशिप होती है। सक्षम स्कॉलरशिप भी होती है जो डिसेबिलिटी के लिए होती है। सोनात स्कॉलरशिप जो होती है वो जो कोविड में जिनका डेथ हुआ है, जिनके पेरेंट्स का, वो ऐसे पेरेंट्स के वार्ड जो होते हैं उनके लिए सोनात स्कॉलरशिप 50,000 की होती है। प्राइम मिनिस्टर्स की जो स्कॉलरशिप होती है वो अलग अलग, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट निकालिए, मैं शेयर भी करूंगा आपको। अब देखिए, व्हाट शुड आई डू इफ माय इंस्टीट्यूट नेम इज नॉट कमिंग इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट इन एप्लीकेशन फॉर्म। किसी भी पोर्टल पर जब आप जाते हैं तो आपको स्कॉलरशिप को अप्लाई तभी कर पाएंगे अगर आपका इंस्टीट्यूट वहां पर रजिस्टर्ड है। तो इंस्टीट्यूट ने रजिस्टर्ड अगर नहीं होगा तो आप इंस्टीट्यूट में जाइए, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट से मिलिए, उनसे कहिए, अगर वो नहीं मानते तो आप हमें बताइए, हम उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे और ये सब चीजें होगी। क्योंकि 3 साल पहले हमने जब इसके लिए कोशिश की थी, जब देखा तो मोर देन 17,000 इंस्टीट्यूट थे ओवरऑल महाराष्ट्र में जो रजिस्टर्ड नहीं थे। तो मंत्रालय से हमने पत्र व्यवहार किया, बहुत सारे जो एक्टिविटीज करने थे वो यहाँ गिनवाना नहीं है, वो करने के बाद में फिर पता, ये इन सबको एक नोटिस इश्यू हुआ और अब तकरीबन 99% कहूंगा सभी पोर्टल पर अपडेट है, लेकिन रजिस्टर्ड है। बट होता क्या है कि नेक्स्ट ईयर आपको रिन्यूअल भी करना होता है, कि नोडल ऑफिसर होता है उस जो आपकी स्कॉलरशिप को, जब आप स्कॉलरशिप को अप्लाई करते हैं तो स्कॉलरशिप का जो आपका एप्लीकेशन है वो कॉलेज के थ्रू वेरीफाई होगा। तो कॉलेज के थ्रू कोई भी वेरीफाई नहीं करेगा, एक नोडल ऑफिसर डिसाइड होता है जिसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी उसकी आइडेंटिटी है वो वहां पर स्टेट लेवल ऑफिसर से अप्रूव होती है और उसको एक पासवर्ड मिलता है, जो पासवर्ड इंस्टीट्यूट के लिए होता है वो वही अकेला इस्तेमाल कर सकता है। तो इसलिए वेरिफिकेशन देख लीजिए कि आपका नाम है और रजिस्टर्ड है या नहीं है। प्राइवेट स्कॉलरशिप की जो मैं बात कर रहा था, बडी फॉर स्टडी, ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। बडी फॉर स्टडी के इस तरह का सीक्वेंस होता है और आप देख कितने, कौन से स्कॉलरशिप लास्ट डे टू गो, मतलब आज लास्ट डे है, या 4 डेज टू गो, 5 डेज टू गो, इस तरह से होता है। आपने अलग अलग स्कॉलरशिप को वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। विद्यासारथी.co.in, ये भी स्कॉलरशिप जो विद्यासारथी की मैं बताया, यहाँ पर भी आप, बहुत सारे बैंकों की स्कॉलरशिप होते हैं, जैसे HDFC बैंक की होती है, कोटक महिंद्रा की होती है, एक्सिस बैंक की होती है, टाटा, विप्रो। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि गर्ल्स हो या बॉयज हो, आप जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, लॉरेल के यूज करते हैं या फिर निविया के यूज करते हैं, तो उनकी भी स्कॉलरशिप होती है। फेयर एंड लवली के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि फेयर एंड लवली की स्कॉलरशिप होती है, लक्स स्कॉलरशिप होती है, मतलब जो भी आप प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उन प्रोडक्ट्स को आपने खरीदा है, उनको बड़ा किया, उनको प्रॉफिट दिया है, तो उसमें से अगर कुछ वो छोटा सा हिस्सा स्कॉलरशिप के तौर पर देने जा रहे हैं तो आप जरूर लीजिए, क्यों छोड़ रहे हैं उन्हें। जैसे सेंसोडाइन टूथपेस्ट आप सभी जानते हैं, सेंसोडाइन जिला, अब उस एडवर्टाइज के इसमें नहीं जाना है मुझे, तो ये शाइनिंग स्टार स्कॉलरशिप प्रोग्राम, अगर बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, एक लिंक अगर सरसरी तौर पर देखा जाए तो देखिए HDFC, सेंसोडाइन, लॉरेल, सब कुछ बता, GP बिरला, फेयर एंड लवली, हमदर्द, गौरव फाउंडेशन, निर्माण स्कॉलरशिप, बहुत सारे नाम है, कीप इंडिया स्माइलिंग फाउंडेशन है, सीताराम जिंदाल स्कॉलरशिप है, हजारों स्कॉलरशिप होते हैं। और इसके साथ में जो मैंने प्राइवेट स्कॉलरशिप, प्राइवेट
इंडिविजुअल स्कॉलरशिप का, जैसे सीमा खतीब का कहा, ऐसे भी बहुत सारे स्कॉलरशिप, और ये सारे स्कॉलरशिप के अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलते रहेंगे और वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं, और नहीं कर सकते तो हमें बताइए, हमारी टीम आपको अप्लाई करके दे देगी। जैसे ये पीएम यंग अचीवमेंट स्कॉलरशिप अवार्ड होती है, विद्याधन स्कॉलरशिप, ये सब हो गए डोमेस्टिक के लिए। फिर जो अब्रॉड को जाते हैं तो अब्रॉड के लिए फिर क्या है, तो अब्रॉड के लिए फिर ये बहुत सारे स्कॉलरशिप होते हैं। अब इसमें डिटेल में अब्रॉड की स्कॉलरशिप का वक्त में बर्बाद नहीं करूंगा। ये स्कॉलरशिप जो होती है आप देख सकते हैं, यूके के लिए है, फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप है, आपके एडलेड यूनिवर्सिटी के लिए एम्स्टरडॉम स्कॉलरशिप है, ये बहुत सारी स्कॉलरशिप है। इसको फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप इसलिए कहा जाता है कि जब आप यहाँ पर डिग्री करते हैं और पीजी के लिए जब अब्रॉड जाते हैं तो उस वक्त आपने एक एग्जाम देनी होती है इनकी, एक क्या कहें, जिस तरह से आप नीट नेक्स्ट वगैरह एग्जाम देते हैं उसी तरह से एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है। अगर वो आप एग्जाम पास कर जाते हैं तो आप फुल्ली फंडेड, फुल्ली फंडेड का मतलब क्या है, आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, आपके लॉन्ड्री एक्सपेंसेस, फूड एक्सपेंसेस, एकेडमिक, सभी एक्सपेंसेस कवर किए जाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप। अब बात करते हैं एजुकेशन लोन की। थोड़ा सा मैं एक मिनट का ये ले लेता क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मैं कंटिन्यूस स्पीड में गाड़ी मेरी बढ़ रही है। ओके चलिए ठीक है। अनसिक्योर्ड एजुकेशन लोन ये किस तरह से होता है, इसमें डोमेस्टिक स्टडी के लिए भी आपको लोन मिलता है, अब्रॉड स्टडी के लिए भी मिलता है। अब्रॉड स्टडी के लिए जब आप जाते हैं तो 150 टॉप यूनिवर्सिटीज, अब इसको बढ़ा के 200 किया गया है, मैंने पहले ही कहा कि ये लास्ट ईयर का है, 150 को बढ़ा के अब 200 किया गया है। और इसमें भी देखिए कि आप ध्यान में रखें कि इंडिया में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, ये सारे इंस्टीट्यूट्स को कैटेगरी दी होती है, रैंकिंग दी होती है, ग्रेड दिया होता है, ए प्लस प्लस, ए प्लस, बी प्लस 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 या बी सी, तो इस तरह से। तो इसमें कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के फाइट में प्राइवेट होते हैं, लेकिन उनका प्रीमाइसेस कहें या फिर जो परफॉर्मेंस है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं, डबल ए रेटिंग के कॉलेजेस, वहां तक, वहां आपको 40 लाख रुपीज तक, 40 लाख रुपीज तक की स्कॉलरशिप आपको बगैर किसी कोलैटरल के, बगैर सिक्योरिटी के मिलती है बैंक के थ्रू, नेशनल बैंक के थ्रू। और जो ए एंड बी कैटेगरी होता है उनके लिए 20 लाख, और सी कैटेगरी, मैं माफ करना लेकिन अपने महाराष्ट्र में सी कैटेगरी के कॉलेजेस बहुत ज्यादा है, लेकिन अच्छे कॉलेजेस भी है ए और बी कैटेगरी के। तो सी कैटेगरी के लिए जो एजुकेशन लोन मिलता है विदाउट कोलैटरल, विदाउट सिक्योरिटी, वो 7.5 लाख रुपीज तक का मिलता है। तो देखिए एजुकेशन लोन की जब बात आती है ना, तो एजुकेशन लोन की बात करते वक्त तो दो चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि आपका टोटल ओवरऑल पैकेज क्या है आपके एजुकेशन का। मान लीजिए 4 इयर्स का कोर्स है, 5 इयर्स का कोर्स है आपका, फिर 10 लाख हो रहा है, 20 लाख हो रहा है। देखिए जिनका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हुआ है, मेडिकल लाइन हो या इंस्टीट्यूट टेक्निकल लाइन हो, तो यहाँ पर आपका 2-3 लाख रुपए में काम बन जाता है, लेकिन फिर हॉस्टल में इसके तो चार्जेस अलग होते हैं। आप अगर प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं, भले आपका कैपराउंड से हुआ है, तो फिर वहां पर जो बजट होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो ऐसी सूरत में आपको 7.5 लाख रुपीज तक का लोन बगैर सिक्योरिटी के मिल जाता है बैंक के थ्रू। बट इसमें होता क्या है कि सिबिल स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट होता है फादर का। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जीआर है गवर्नमेंट का, कि फादर का मतलब पेरेंट का सिबिल स्कोर अगर खराब होगा तो भी आप स्टूडेंट को एजुकेशन लोन से नकार नहीं सकते। लेकिन जीआर है, सब कुछ पता है, बट बैंक के सामने जब हम जाते हैं तो हम भी इस तरह से जाते हैं कि मानो बैंक वाला अपनी जेब से आपको लोन दे रहा है। तो थोड़ा सा मैं हमेशा कहता हूं कि अपने अधिकार को जानिए, आपको क्या राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिले हैं उसको पहचानिए, जानिए, उसकी मालूमात कीजिए, थोड़ा सा राइट टू इंफॉर्मेशन का, आरटीआई का इस्तेमाल करना सीखिए। आप नहीं करेंगे तो देखिए आप युवा जनरेशन है, आपके ऊपर भारत का भविष्य निर्भर करता है, तो आप ही अगर इन चीजों को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर आपको राइट कैसे मिलेगा। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे, जहां तक मैं अकेला तो सब तरफ नहीं पहुंच सकता, लेकिन बहुत जगह पर कहा गया कि आपके पेरेंट का फला फला लोन था, वो खराब है, सिबिल स्कोर खराब है, आपने रीपेमेंट, इसलिए आपको रिजेक्ट किया जाता है। अब अगर किसी के फादर ही ना हो, बच्चा अगर ऑर्फन हो, तो ऐसे सूरत में आप किसका सिबिल स्कोर देखोगे, ये भी तो क्वेश्चन होता है। इसलिए जरूरी है कि सिबिल स्कोर इंपॉर्टेंट होता है, तो ये पेरेंट की बात कर रहा हूं। लेकिन अभी जितने स्टूडेंट्स है ना, स्टूडेंट का सिविल स्कोर खराब हो रहा है,
ये मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। पहले जब मैंने देखा तो मैं भी शॉक हुआ कि सिविल स्कोर स्टूडेंट तो अभी सीख रहा है, इसने कब लोन लिया। तो बाद में पता चला कि मोबाइल के लिए, फिर बजाज फाइनेंस है और भी बहुत सारे फ्रेंचाइजी है जो आपको मोबाइल दिलवाने में मदद करते हैं, आपसे चेक बुक ले चेक लेते हैं, 3,000 रुपये देकर आप 30,000 का मोबाइल ले सकते हैं। तो आपने मोबाइल तो ले लिया लेकिन उसके 2-3 EMI आपने बाउंस कर दिए, पेमेंट टाइम पे नहीं हुआ, तो आपका सिविल स्कोर जो खराब होता है वो 10 साल लग जाते हैं क्लियर होने में। और ऐसे अच्छे अच्छे स्टूडेंट का, एक दो स्टूडेंट नाम नहीं ले सकता, लेकिन उसको एडमिशन जब मिला था तो मैं ये कह रहा था कि स्टूडेंट को, अच्छे दो स्टूडेंट थे और दोनों स्टूडेंट का लोन रिजेक्ट हुआ सिर्फ इसी वजह से। जब मैंने पूछा तो कहा गया कि उन्होंने अपने स्पेशल फ्रेंड के लिए, आप समझ सकते हैं स्पेशल फ्रेंड का मतलब, स्पेशल फ्रेंड को गिफ्ट में देना था और उसको जो पसंद था मोबाइल वही देना था, और घर में किसी को पता ना चले तो इसने लोन पर ले लिया, दे दिया, 3-4 EMI ब्लॉक हो गए, बाउंस हो गए और उसकी ये नौबत आ गई। तो इसलिए इस चीज को ध्यान में रखें कि सिविल स्कोर अपना खराब ना करें। और ये भी चीज ध्यान में रखें कि फीस स्ट्रक्चर जो कॉलेज आपको देता है उस पे जो अमाउंट होगी उतना ही एजुकेशन लोन आपको मिलेगा। अब एजुकेशन लोन लेने का सबसे आसान तरीका है कि बैंक में जाना, लेकिन बैंक में जाने से पहले आपने जाना यहाँ पर जो अपने स्क्रीन पर आप अब देखेंगे, विद्या लक्ष्मी पोर्टल। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू एक पोर्टल बनाया गया है जिसमें सरकार, बैंक और आप तीनों के लिए ये पोर्टल है, दिख गया ओके, vidyalakshmi.co.in। इस पर आपने जाना है, अपना एप्लीकेशन करना है, तीन बैंक आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपके नजदीकी, लेकिन नेशनलाइज बैंक हो। और तीनों बैंक में से मैं हमेशा कहूंगा कि कर सकते तीन बैंक सिलेक्ट, लेकिन एक ही बैंक सिलेक्ट कीजिए। अगर आपकी अमाउंट बड़ी है, मान लीजिए 20-25 लाख की है, तो पहले बैंक को मिलिए जरूर, मतलब बैंक मैनेजर से सिर्फ इतना कहिए कि हमारा आपके पास अकाउंट है। अच्छा, इसके लिए अकाउंट होना भी जरूरी नहीं है, बाद में आप अकाउंट निकाल सकते हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि सर आपका, हमारे पास अकाउंट ही नहीं है तो आपने अप्लाई कैसे किया, तो ये सब चीजें छोड़िए, इस पर ध्यान मत दीजिए, लड़ना सीखिए अपने राइट्स के लिए, अधिकार के लिए। तो ये जो डिसबर्स में, इसका जो विद्यालक्ष्मी में एजुकेशन लोन का जो पोर्टल है, ये नेशनलाइज बैंक है, नेशनलाइज बैंक के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के बाद में इस पर, इसी पोर्टल पर आप में सबमिट हो गया, फिर आपका एक्सेप्टेड हो गया, फिर सक्सेसफुली दिखा रहा है, फिर आपको जब सक्सेसफुली सबमिटेड दिखाएगा तो उस वक्त फिर आपने सभी हार्ड कॉपीज डॉक्यूमेंट, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो आगे आप स्क्रीनशॉट निकालिए, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट का सभी डॉक्यूमेंट लेके बैंक में पहुंचिए। वहां पर उसके आगे फिर आपकी प्रोसेस शुरू हो जाती है। डिसबर्समेंट का अगर पीरियड पकड़ेंगे तो 1 महीने के बराबर होता है। इसका एक बेनिफिट क्या क्या है विद्यालक्ष्मी पोर्टल का, वो आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। इसमें ये देखिए, 4 लाख तक गारंटर की जरूरत नहीं ऐसे लिखा हुआ था, लेकिन अब वो 7.5 लाख कर दिया गया है, 7.5 लाख रुपीज तक का गारंटर की जरूरत नहीं। जितने भी बीटेक बीई के लिए स्टूडेंट है उनके लिए लोन बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर गारंटर का भी जरूरत नहीं होता। बट जो मेडिकल स्टूडेंट है उनकी अमाउंट ज्यादा होती है, 7.5 लाख से ज्यादा होती है, तो ऐसे वक्त में आपको गारंटर या फिर कोलैटरल सिक्योरिटी देनी पड़ती है। और रीपेमेंट पीरियड जो होता है वो 5 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स तक होता है। सबसे पहले मैं बताना भूल गया कि एजुकेशन लोन में मोरेटोरियम पीरियड क्या होता है। तो लोन मींस क्या, और सभी लोन, आप कोई भी लोन ले लो, गोल्ड लोन, कार लोन, बाइक लोन, होम लोन, किसी भी तरह का लोन ले लो, जब भी आप लोन लेते हैं कि नेक्स्ट मंथ से आपका ईएमआई स्टार्ट हो जाता है, रीपेमेंट। सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन लोन ऐसा है कि इसमें आप लोन लेते हैं और फिर छुट्टी पे चले जाते हैं, जिसको मॉरेटोरियम पीरियड कहा जाता है। और वो कितनी होती है छुट्टी, आपका कोर्स पीरियड प्लस 6 मंथ जॉब सर्चिंग का इंटरवल। तो मान लीजिए 5 साल का आपका कोर्स है, 6 महीने आपका जॉब सर्चिंग का पीरियड पकड़िए, तो ये जो 5.5 साल का जो आपका पीरियड होता है इसको मॉरेटोरियम पीरियड कहा जाता है। तो आप लोन लेके 5.5 साल तक आपको सिंगल रुपीज पे नहीं करना है, आप रिलैक्स रहिए। अब इसमें एक चीज आ जाती है कि बैंक कहता है आपको कि आप इंटरेस्ट तो हर महीने आपको देना पड़ेगा। तो देखिए, जब लोन का ईएमआई भी देना नहीं तो इंटरेस्ट भी देना नहीं होता है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट का बर्डन अगर स्टूडेंट पर आ जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे सूरत में मना कर दीजिए, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, मंथली इंटरेस्ट पे कर सकते, तो आपका ही थोड़ा सा बोझ कम हो जाएगा, तो उसके लिए हाँ भी कह सकते हैं, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करेगा। लेकिन जब बड़ी अमाउंट होती है लोन की, तो उस वक्त आपको जो है बड़ी अमाउंट के वक्त में आपको इंटरेस्ट जो है पर मंथ देना ही पड़ेगा, ताकि बैंक को भी भरोसा हो जाए कि आप रीपे कर रहे हैं। तो ये मैं कह रहा था कि रीपेमेंट का जो पीरियड होता है 5 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स तक भी ले सकते हैं, मतलब आपने
एजुकेशन लेना है लोन पर, एजुकेशन के बाद में हमने जॉब करना है या फिर प्रैक्टिस करनी है खुद की, और ये पूरा लोन आपने पे करना है। एजुकेशन लोन मदर फादर ने पे नहीं करना है स्टूडेंट्स, ये आपके पेरेंट्स ने आपको यहां तक ला दिया, एडमिशन हो गया, खत्म उनका रोल, अब वो इस वे को एप्लीकेंट बनेंगे, लेकिन ये जो लोन होगा ये आपने पे करना है। डॉक्यूमेंट्स की पूरी लिस्ट है यहाँ पर, आप इसकी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, या फिर ये सब चीजें आपको उस टेलीग्राम चैनल पर कल से अवेलेबल हो जाएगी, आज रात से अवेलेबल हो जाएगी कि आपको क्या क्या लगेगा। कुछ पॉइंट्स हैं जिसको ध्यान में रखिए कि जब आप बैंक से एजुकेशन लोन को अप्लाई करते हैं तो इसमें अप्लाई करने से पहले 10 बार चेक कर ले सब कुछ सही है नहीं, मतलब फीस स्ट्रक्चर, आपका अकाउंट नंबर वगैरह, क्योंकि एक बार आप सबमिट करते तो इसमें एडिट ऑप्शन नहीं आता। जो पेरेंट्स इनकम टैक्स पे करते हैं उनको ये बता दूं कि ये जो लोन आप लेते हैं एजुकेशन लोन अपने स्टूडेंट के लिए, तो इसमें जो भी इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट 80E के तहत आपको इसमें इनकम टैक्स में छूट मिल जाती है, आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और दूसरी एक चीज है कि जो भी पोर्टल पर रिस्पॉन्स आपको आता है या मेल पर जो आपको आता है, तो कभी कभी बैंक आपको कहता है कि डॉक्यूमेंट लेके 7 डेज में आइए, और आप 7 दिन तक अपना मेल ही चेक नहीं कर रहे, तो फिर ऐसे सूरत में बैंक फिर रिजेक्ट कर देता है, और एक बार किसी बैंक ने रिजेक्ट कर दिया तो फिर से आपको दूसरे बैंक खटखटानी होती है, फिर से प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखें। अब्रॉड का जो स्टडी एजुकेशन लोन मिलता है उसको आप 15 ईयर्स तक का रीपेमेंट पीरियड ले सकते हैं। अब एक स्कीम होती है, जैसे मैंने मैसेज में लिखा है 0% लोन या सब्सिडी, तो CSIS सेंट्रल स्कीम फॉर इंटरेस्ट सब्सिडी एक योजना है सरकार की। इसमें दो चीजें होती हैं कि आप पूरे मॉरेटोरियम पीरियड, वो तो आपको समझ में आ गया कि ये मॉरेटोरियम पीरियड किसे कहा जाता है कि कोर्स का ड्यूरेशन प्लस जॉब सर्चिंग का पीरियड मिलकर होता है मॉरेटोरियम पीरियड, तो ये इसके लिए एलिजिबल कौन कौन है, तो जिसका इनकम क्राइटेरिया 4.5 लाख से कम है, तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स, और लेकिन जो एडमिशन आपने लिया है वो इंडिया में लिया होना चाहिए, अब्रॉड के लिए स्कीम नहीं है, अब्रॉड के लिए अलग से स्कीम है, तो इसमें आपका जो जो कुछ भी इंटरेस्ट होता है, ये इंटरेस्ट चार्ज तो होता है लेकिन ये इंटरेस्ट पे करता है IBA, इंडियन बैंक एसोसिएशन, एक बैंक जितने भी नेशनलाइज बैंकिंग का एक एसोसिएशन है इंडियन बैंक एसोसिएशन, तो उनके थ्रू होता क्या है, कैनरा बैंक एक एम्बेसिडर है जो आपके बैंक को आपका इंटरेस्ट पे करेगी, तो इसके लिए जरूरी नहीं कि आप कैनरा बैंक में ही जाएं, आप किसी भी नेशनलाइज बैंक में से एजुकेशन लोन जब आप लेंगे तो उसका रीपेमेंट जो है आप करेंगे 5 साल के बाद में, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट होगा चार्ज होगा आपके अकाउंट में लगेगा, लेकिन वो रिफंड सब्सिडाइज हो जाएगा, तो सब्सिडी यहां पर आपको मिलती है। तो ये कब करना होता है, आपका जब लोन सैंक्शन होता है तो सैंक्शन के बाद में एक एग्रीमेंट होता है आपके और बैंक के बीच में, एग्रीमेंट की कॉपी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा आप देख सकते हैं, तो इसमें चीज ये हो जाती है कि आपका पूरा इंटरेस्ट सब्सिडाइज हो जाता है पूरे 5.5 साल का। तो अगर मान लीजिए 5.5 साल के बाद में आपने इनकम पूरा ही लोन किसी आपके सोर्स में से आपको रीपे के लिए उपलब्ध हो गया और आपने पे कर दिया, तो फिर उसके आगे कोई इंटरेस्ट ही नहीं लगेगा, तो हो गया ना 0%। तो ये एक स्कीम उसके लिए है। अब एक इसी तरह और एक स्कीम थी पढ़ो परदेश, लेकिन उसको बंद कर दिया गया, ये माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए थी, अब्रॉड के लिए, तो उसको मैं हटा देता हूँ, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर सेंट्रल सेक्टर सब्सिडी स्कीम फॉर अब्रॉड स्टडी। अब यहां पर देखिए, पहली जो स्कीम थी CSIS वो थी डोमेस्टिक के लिए, और ये जो स्कीम है ये स्कीम है अब्रॉड के लिए, और यहां पर आप OBC कैटेगरी से हो या EBC कैटेगरी से, फैमिली इनकम यहाँ पर 2.5 लाख लिखा हुआ है लेकिन अब ये बढ़कर 6 लाख, सॉरी 8 लाख हो चुका है, ये भी ध्यान में रखें, तो यहाँ पर भी आपको जो मिलेगा, लेकिन ये PG कोर्सेज के लिए, मास्टर्स के लिए, जैसे आप PG कोर्सेज पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं तो वहां पर आपके लिए मिलता है। इसमें 50% रिजर्वेशन जो गर्ल्स कैंडिडेट के लिए है, और ये इसके लिए भी आपको जो है अप्लाई जो करना है विद्यालक्ष्मी एजुकेशन लोन के थ्रू ही अप्लाई करना होता है, इसमें भी आपको सब्सिडी मिल जाती है। देखिए जैसे मैंने अभी कहा कि 2.5 लाख, जैसे मैंने कहा तो उसके आगे आप GR देख सकते हैं कि 2.5 लाख का जो क्राइटेरिया था, इनकम क्राइटेरिया, वो बढ़कर 8 लाख रुपए हो चुका है। जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो 6 कम्युनिटी आते हैं उनके लिए कॉरपोरेशन है मौलाना आजाद फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसको मराठी में मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल कहा जाता है, तो यहां पर आपको 5 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन मिलता है डोमेस्टिक स्टडी के लिए,
जो 7.5 लाख रुपये, 7.5 लाख रुपए तक भी दे सकते हैं, वो बहुत सारे स्टूडेंट को दिया जा चुका है। इसके लिए आपको गारंटर कंपलसरी होता है। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ मात्र 3% होता है, जब आप बैंक से लेते हैं तो 10% होता है। तो ऐसे अलग अलग महामंडल होते हैं अलग अलग समाज के लिए, तो उनके स्कीम्स अलग होते हैं। एक बात बता दूं तो यहाँ पर आपका सिविल वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन या तो आपको गवर्नमेंट सर्वेंट कोई एज अ गारंटर के तौर पर देना होगा, या फिर आप कोलैटरल सिक्योरिटी भी दे सकते हैं। थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसके साथ में लास्ट ईयर 11 नवंबर को माननीय एकनाथ राव शिंदे साहब ने एक डिक्लेरेशन किया था 11 नवंबर को मौलाना आजाद के जन्मदिवस के मौके पर, के अब एब्रॉड डोमेस्टिक के लिए 20 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन दिया जाएगा और एब्रॉड के लिए 30 लाख रुपीज तक का। बट हुआ ये कि पता नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है नहीं दिया है, वही बेहतर जाने। हमने आरटीआई में भी मंगाया है उसकी एजुकेशन, अब वो यहाँ पर बातें नहीं करेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने अप्लाई किया था बट सभी को नहीं मिल पाया, कुछ स्टूडेंट्स को मिला है लेकिन वो भी फर्स्ट ईयर के 4 लाख रुपीज मिले हैं। अगला इंस्टॉलमेंट जो होगा अगर उसमें फंड सेंट्रल गवर्नमेंट का आता है तो मिलेगा, ऐसा कहा गया। तो ये सब जो चीजें होती है, सरकार किसकी बनती है क्या होता है उस पर डिपेंड करता है। महाराष्ट्र सरकार के बारे में न कुछ कहा जाए तो अच्छा है, बार बार किसकी सरकार है पता नहीं चलता, और उस वजह से हमें दिक्कत हो रही है कि हमारे बच्चों के मौलाना आजाद के एजुकेशन लोन पेंडिंग पड़ रहा है। और दाद किससे मांगी जाए, क्योंकि सरकारी महकमा है, किसी से कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जो लेकिन इसके लिए भी जो कार्रवाई करनी होती है, जो निवेदन देने होते हैं, एप्लीकेशन करने होते हैं, वो सब हमारी टीम ने MMNF ने महाराष्ट्र मैनेडियो एनजीओ फोरम में किया है। उनके प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रोफेसर जाकिर शिकलगार साहब हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, और बहुत सारी कामयाबी इस पर मिली हुई है। तो ये आप मौलाना आजाद एजुकेशन लोन के बारे में इतना ध्यान में रखें कि अभी इसके लिए भी इनकम क्राइटेरिया 8 लाख से अंदर का होना चाहिए, और यहाँ पर 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक का लोन आपको मिलता है। रीपेमेंट इसका सिर्फ 5 साल होता है, वो भी उसी तरह। जितनी भी ओबीसी कैटेगरी है, जैसे ये महामंडल था माइनॉरिटीज के लिए, तो उसी तरह महाराष्ट्र राज्य इतर मागास वर्गीय वित्तनी विकास महामंडल, ये होता है ओबीसी के लिए। तो ओबीसी में से अगर आप बिलोंग करते हैं, फिर भले आप मुस्लिम हो, हिंदू हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, ओबीसी कैटेगरी सभी तरफ आती है। तो सभी ओबीसी के लिए अगर आप इसमें ओबीसी व्याज परतावा स्कीम इसको कहा जाता है, इसमें डोमेस्टिक स्टडी के लिए 10 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन और एब्रॉड के लिए 20 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन, इस पर आपको सब्सिडी मिल सॉरी व्याज परतावा मतलब इंटरेस्ट बैक स्कीम है। तो किस तरह से काम करती है वो मैं बताता हूँ। आपने विद्यालक्ष्मी में एजुकेशन लोन से एजुकेशन को लोन के लिए अप्लाई किया, आपका सैंक्शन हो गया। तो सैंक्शन होने के बाद में आपने इस ओबीसी महामंडल के वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना है और वहां पर वो सब चीजें अपलोड करनी है। फिर पूरे 5 साल चले जाएंगे, 5 साल के बाद में फिर आपका रीपेमेंट स्टार्ट हो जाएगा। जब रीपेमेंट स्टार्ट होगा तो आपने बैंक को पूरे 1 साल भर एक भी EMI न चुकाते हुए पूरा पेमेंट करना है, और उसकी स्टेटमेंट फिर आपने मागास वर्गीय वित्त महामंडल को अपलोड करनी है। इससे ये होगा कि आपने 1 साल में जितना भी इंटरेस्ट पे किया था वो सारा इंटरेस्ट जो है आपको आपके आधार बैंक लिंक्ड अकाउंट में वापस आ जाएगा। देखिए स्टार्ट में मैंने कहा है कि आधार आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? तो उसका ये बेनिफिट है। तो इसके लिए आपको 12th में 60% जरूरी है, इस बात को ध्यान में रखें। और विद्यालक्ष्मी एजुकेशन लोन अगर आपने लेना है तो प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड में मिनिमम फर्स्ट क्लास का होना जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास केसेस हैं, बहुत सारे जो 57%, 58% और फिर उनका प्रॉब्लम हो गया। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखें। अब प्राइवेट में भी स्कॉलरशिप जिस तरह से होते हैं, तो प्राइवेट में भी आपको एजुकेशन लोन मिलता है। जो जैसे जेएन टाटा एंडोनमेंट स्कीम जो है ये अब्रॉड स्टडी के लिए होती है, 10 लाख रुपीज तक होता है, इसका 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। इसके डिस्क्रिप्शन आप बाद में देख लें। केसी महिंद्रा का होता है जिसमें 8 लाख रुपीज तक का स्कॉलर अवार्ड होता है और 4 लाख रुपए पर स्कॉलर को दिया जाता है। इसमें भी बहुत सारे जो नॉर्म्स है उसमें पोस्ट ग्रेजुएट के लिए ही है। बेस्ट वे टू फंड योर स्टडी अब्रॉड, अब्रॉड के लिए आपके लिए वीमेक स्कॉलर ये बहुत अच्छी संस्थान है जिसके थ्रू आप कर सकते हैं, और इसमें हम भी आपकी हेल्प जरूर करेंगे। तो चलिए थैंक यू आ गया, लेकिन उसके पहले दो चीजें मैं आपको बता दूं। थैंक यू का हटा देता हूं वरना बहुत सारे लोग लिफ्ट हो जाएंगे। जिसका जिसका एडमिशन चल रहा है मेडिकल फील्ड में या फिर और भी किसी फील्ड में हो, जब आप अगर EBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मतलब आपका इनकम 8 लाख से कम है,
ऑन द स्पॉट आपको हाफ फी भरनी है। अगर वो नहीं मानते, आप हमें लिखिए, हम आपको जीआर दे देंगे, वो जीआर को देखकर आप उनको बता सकते हैं। तो ये, और दूसरी बात, महाराष्ट्र में आप रह रहे हैं और महाराष्ट्र में आप भले स्टेट कोटा से एडमिशन ले या इंस्टीट्यूट कोटा से एडमिशन ले, अगर आपके पास सीईटी सेल का अलॉटमेंट लेटर है तो आपको स्कॉलरशिप जरूर मिलेगी। अब दो चीजें होती है, आपने एडमिशन लिया, एट द टाइम एडमिशन भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, मतलब आपकी फीस हाफ हो जाएगी। लेकिन एट द टाइम एडमिशन आपको अगर कॉलेज ने प्रोवाइड नहीं की, तो जिसे इंस्टीट्यूट कोटा में होता है, तो मैं इंस्टीट्यूट कोटा की कौन सी बात कर रहा हूँ, जो कैप राउंड के थ्रू होता है, इंस्टीट्यूट लेवल पर जो होता है वो अलग, वहां पर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती, क्योंकि वहां पर आपका जो अलॉटमेंट लेटर होता है वो इंस्टीट्यूट का होता है, ना के सीईटी सेल का। तो सीईटी सेल का आपके पास में अलॉटमेंट लेटर है तो आप बाद में भी स्कॉलरशिप का अप्लाई कर सकते हैं, वो स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो ये हो गया स्कॉलरशिप और एजुकेशन लोन से रिगार्डिंग। मैंने पहले आपको कहा था कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो एक ही सेशन में कवर नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश पूरी तरह से किया हूँ कि सभी पॉइंट को कवर करने की। कुछ पॉइंट्स अगर बचे हैं या फिर और भी कुछ है तो हम वो अगले सेशन में जरूर लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ बढ़ा जा सकता है। सर, क्या आपका कोई YouTube चैनल है जिस पर हम बाद में ये सारे वीडियोस देख सकते हैं? जी, मालूमात सेंटर, ये अगर आप टाइप कर देंगे YouTube चैनल पर, ये सारे वीडियोस आपको स्कॉलरशिप के वगैरह आपके मिल जाएंगे। गवर्नमेंट से कितना स्कॉलरशिप मिलेगी, मैंने पहले ही कहा कि स्कॉलरशिप डिपेंड करती है आपका फीस स्ट्रक्चर कितना, ट्यूशन फी कितनी, उस पर डिपेंड करेगा। आपसे कॉन्टेक्ट कैसे कर सकते हैं, नंबर शेयर किया जा चुका है सर, व्हाट्सएप नंबर है, इस पर सिर्फ व्हाट्सएप करना है आपने, अगर इमरजेंसी होगी तो हम कॉल बैक करेंगे। सर, स्टे वैकेंसी राउंड में मिलता है क्या? मैं वही बताया हूँ आकाश मोहिते, बोहिते, स्टे वैकेंसी राउंड में अगर आपका अलॉटमेंट लेटर सीईटी सेल का होगा तो आपको स्कॉलरशिप जरूर मिलेगी, लेकिन अगर आपका अलॉटमेंट लेटर इंस्टीट्यूट का होगा तो नहीं मिलेगी। सर, क्या आपका स्कॉलरशिप के लिंक सेंड कर सकते हैं? जी, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, मैं टेलीग्राम चैनल को की लिंक शायद शेयर किया होगा, वापस एक बार शेयर करता हूँ। सर, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक शेयर कर दीजिए ना। हाँ, मैं कर रहा हूँ जी। तो सभी, हर एक स्कॉलरशिप की लिंक भी शेयर होगी और उसके डिटेल्स भी शेयर होंगे। जब भी कोई स्कॉलरशिप, जैसे महाडीपीटी स्टार्ट होती है, एनएसपी स्टार्ट होती है प्राइवेट, तो उस वक्त हम एक सेशन भी ले लेंगे हर एक स्कॉलरशिप पर, या वीडियो बनाकर डाल देंगे। इतना कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है स्कॉलरशिप को मिलाना, लेकिन अगर आप सही से ध्यान देंगे तो ही होगा। एब्रॉड लोन के लिए कैसे, कहाँ अप्लाई करना है एब्रॉड स्टडीज लोन के लिए, ये मैं पूरी तरह से बता चुका हूँ। एब्रॉड लोन के लिए आप बैंक से ही अप्लाई करेंगे और बैंक का जो आपका सिक्योरिटी होगा, उस सिक्योरिटी की जो अमाउंट होगी उसके हिसाब से आपको लोन मिल जाएगा। इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर एब्रॉड, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 20 लाख रुपए तक का जो लोन है उसको आप इंटरेस्ट फ्री कर सकते हैं, आपका इंटरेस्ट जो भी होता है आपको वापस आ जाएगा। लेकिन अगर टॉप 200 यूनिवर्सिटी में आपकी यूनिवर्सिटी नहीं आती है तो फिर कोई भी इंटरेस्ट फ्री या सब्सिडी नहीं मिलेगी। सर, वेदांत कॉलेज के लिए एजुकेशन लोन मिलता है क्या? जी, जरूर मिलता है वेदांता कॉलेज के लिए। वेदांता कॉलेज की फीस 18 लाख रुपए पर ईयर है और तकरीबन 80-90 लाख रुपए तक होती है, तो आपको उतनी प्रॉपर्टी बैंक को देनी होगी, उतनी वैल्यूएशन की प्रॉपर्टी, तभी आपको लोन मिलेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेदांता कॉलेज की फीस में किसी तरह की स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं की जाती। स्कॉलरशिप का फॉर्म कहाँ से भरना है, डायरेक्ट उसकी वेबसाइट जाना पड़ेगा क्या? जी, आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, सभी चीजें आपको मिल जाएगी। और महाडीब, जैसे अभी मैंने पूरे सेशन में हर एक की लिंक भी बता दी, महाडीबीटी आप सिर्फ सर्च करेंगे तो आ जाएगा महाराष्ट्र के लिए। प्राइमरी टीचर की स्कॉलरशिप पीटीसी के बारे में बताइए। देखिए, पीटीसी स्कॉलरशिप पहले हमेशा होती थी और उसमें जो वार्ड होते थे उनको उसका बेनिफिट मिलता था। अब जैसे पांचवा वेतन आयोग, सातवां वेतन आयोग जब से आया है तो सभी टीचर्स की जो सैलरी है वो 8 लाख से ऊपर चली गई, तो
तो फिर आप जब 8 लाख से ऊपर आपका इनकम है तो आपको स्कॉलरशिप आपके बच्चों को नहीं मिल रही है। तो इस पर बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे टीचर एसोसिएशन ने डिमांड की है और इस पर सरकार अब जब निर्णय लेगी। लेकिन फिर जब टीचर्स का लास्ट ईयर महाराष्ट्र में कुछ प्रदर्शन हुआ तो उसमें सब टीचर्स बड़े बड़ी गाड़ियां लेकर चले गए, तो उससे फिर उसका भी एक मजाक उड़ा और फिर कहा गया कि फिर जरूरत नहीं है। मतलब जो मंत्रिमंडल में जो बातें होती है उसमें से ये चीजें बाहर आई कि जब टीचर्स 4 व्हीलर्स महंगे महंगे लेकर आ रहे प्रदर्शन को तो इनको क्या जरूरत है किसी स्कॉलरशिप की। तो इसके लिए एक ही काम करना होगा, जो भी आपके टीचर एसोसिएशन है उनके थ्रू सरकार से फिर से कहें कि पीटीसी स्कॉलरशिप को शुरू कर दें। सब ओबीसी को 50% माफ मिलेगा क्या? यस, 50% क्लियरली आपको डिस्काउंट मिल जाता है। आईक्यू कोटा के लिए स्कॉलरशिप मिलेगा क्या? इंस्टीट्यूट कोटा में अगर सीईटी सेल का अलॉटमेंट लेटर है तो आपको जरूर मिलेगा। व्हाट आर द डेट्स फॉर ऑल दी स्कॉलरशिप? देखिए महाडीबीटी स्कॉलरशिप अभी 25th तक जो है वो लास्ट ईयर के लिए है। अब यहां से जो स्टार्ट होगी साल भर चलते रहेगी, कोई डेडलाइन नहीं होती है। लेकिन एनएसपी स्कॉलरशिप जो होती है गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो हर साल जुलाई में स्टार्ट होती थी। इस बार सितंबर भी स्टार्ट नहीं हुई क्योंकि बायोमेट्रिक का फरमान आने से लेट हुआ, तो अब स्टार्ट हो जाएगी और 3 महीने तक चलेगी दिसंबर तक। गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं, मैंने पहले ही बताया गवर्नमेंट की एक ही लग सकते हैं, प्राइवेट कितने भी लग सकते हैं। सर एजुकेशन लोन जो है वो बैंक फ्री सेक्शंस करते हैं क्या? पेरेंट का डॉक्यूमेंट लेकर, मतलब स्टूडेंट 12th में है और लोन सेक्शन सैंक्शन, अच्छा सैंक्शन हो गया है नेक्स्ट एजुकेशन के लिए। सरस्वत कोऑपरेटिव बैंक है वो ऐसा करते हैं और कोई बैंक है क्या? मैं एक स्कॉलर शॉपकीपर हूँ, पे करता हूँ जो 5 लाख से इनकम शो करता है, लेकिन मेरे पास इनकम सर्टिफिकेट जो है वो लाख है, तो कुछ प्रॉब्लम आ सकता है क्या एडमिशन के टाइम पे ईडब्ल्यूएस में जाना है तो? देखिए ईडब्ल्यूएस में जाना है तो आपके इनकम क्राइटेरिया का लिमिट 8 लाख रुपए तक रखा है, तो 5 है दिखाइए, 6 लाख है दिखाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे कम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 8 लाख तक ऑलरेडी लिमिट दी जा चुकी है। रहा सवाल जो इसका कहा जा रहा है कि आपको बैंक प्रोवाइड जो दे रही है, आपने सारस्वत बैंक का कहा कि 12th में है और अगले के लिए एजुकेशन लोन दे रही है, तो वो एक सैंक्शन करके रख देंगे वो, लेकिन जब आपका एडमिशन होगा उसके बाद ही वो डिसबर्स होगा। लेकिन ऐसे दूसरे कोई बैंक नहीं है और आप सारस्वत बैंक कोऑपरेटिव बैंक है, आपको लोन इंटरेस्ट कम लग रहा होगा, लेकिन हमेशा नेशनल ये जो आपको स्कीम जो भी मिलेगी सब्सिडी वगैरह की, वो स्कीम आपको सिर्फ नेशनलाइज बैंक में मिलेगी, कोऑपरेटिव बैंक में नहीं मिलेगी। टेलीग्राम लिंक, ओके जस्ट हमने टेलीग्राम लिंक शेयर किया हुआ है नीचे टेलीग्राम लिंक। ऑल इंडिया कोटा 15% ईबीसी सवलत मिळते का? एडमिशन चवी मिळत नाही, पण एडमिशन झाल्यानंतर तुम्ही स्कॉलरशिप महाडीबीटीला अप्लाय करू शकता आणि ते अमाऊंट स्कॉलरशिपचे तुमच्या अकाउंटला जमा होईल। असेल आयडियल काउन्सिलिंगचा स्टुडंटचे तुम्ही करताना देखिए हमारा आइडियल काउंसिलिंग फोरम है, आइडियल करियर सेंटर जैसे मालूमात सेंटर है उसी तरह यहाँ पर हम सभी स्कीम्स की मालूमात वगैरह देते हैं, उसी तरह आइडियल करियर सेंटर है जिसमें सभी तरह के एडमिशन के लिए हम काउंसिलिंग करते हैं। इसमें फ्री काउंसिलिंग भी होती है, पेड काउंसिलिंग भी होती है। अच्छा लग रहा है कहने के लिए कि इस साल तकरीबन 350+ बच्चों का एडमिशन हमारे थ्रू हुआ, MBBS, BDS, BMS और भी जारी है। तो जो भी पेड काउंसिलिंग में आते हैं तो उनको हम सिर्फ एडमिशन दिलाना काम नहीं है, एडमिशन के बाद में स्कॉलरशिप एजुकेशन लोन सभी काम हमारे आइडियल की टीम करती है। तो वो भी एक सेशन है, उसमें भी आप आ सकते हैं, किसी पर कोई जबरदस्ती नहीं होती है। जब भी आपका हायर एजुकेशन का एडमिशन हो तब आप आइडियल से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ये इसी नंबर पर आपको जब आप डालेंगे मैसेज तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। साहिल मनियार थैंक यू, आपने टेलीग्राम का लिंक यहाँ पर शेयर किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर अब स्कॉलरशिप की स्टार्ट डेट कब भी बताइए। ठीक है देखिए मैं महाडीबीटी स्कॉलरशिप का जो स्टार्ट हो जाएगा वो 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा महाडीबीटी का, और एनएसपी की जो है वो नेक्स्ट मंथ में, तो 1 तारीख पकड़ कर चलिए 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है तो 3 अक्टूबर मानकर चलिए। ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन होने पर मिलने वाली स्कॉलरशिप की डिटेल्स प्लीज। ऑल इंडिया कोटा से प्राइवेट में एडमिशन मिलता है तो भी आपको महाडीबीटी को ही अप्लाई करना है। बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है स्टे वैकेंसी में मिलती है क्या, तो मैं वही बताया हूँ उसका एक ही सॉल्यूशन कि आपने अगर आपको सीईटी सेल का एडमिशन कंफर्म एडमिशन लेटर अलॉटमेंट लेटर मिला है तो आपको मिल जाएगी।
सिबिल स्कोर क्लियर है कैसे देखते सर? देखिए, सिबिल की एक वेबसाइट होती है, आप sibil.in पर जाइए, वहां पर अपना पैन कार्ड नंबर जो है वो डिटेल्स फिल कीजिए, ओटीपी आपके मोबाइल पे आ जाएगा और आपका इस महीने का सिबिल स्कोर आपको आप देख सकते हैं वहां पर। सर, TFW में से बी फार्मेसी में एडमिशन मिला है तो प्राइवेट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, प्राइवेट यहाँ पर TFW का प्रॉब्लम क्या होता है, TFW में से आपको एडमिशन मिला है तो आपकी पूरी फीस माफ है, तो आप प्राइवेट स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब प्राइवेट स्कॉलरशिप को अप्लाई करेंगे तो वहां पर बोनाफाइड सर्टिफिकेट और फीस स्ट्रक्चर मांगा जाएगा आपके कॉलेज, आपके फीस का। तो फीस स्ट्रक्चर क्या देंगे, कॉलेज वाले नहीं देते TFW को, तो फिर यहाँ पर दिक्कत आ जाती है। तो विदाउट फीस स्ट्रक्चर जो भी आपका हॉस्टल वगैरह का भी अगर होगा तो आप मंगाइए, उस हिसाब से आप कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। महा डीबीटी पर अप्लाई करने के बाद प्राइवेट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सर, लोन सैंक्शन हो गया है 3 इयर्स पहले 7% इंटरेस्ट पर, बट अभी बैंक स्टाफ बता रहे हैं कि गवर्नमेंट ने 10% इंटरेस्ट कर दिया है, इस सिचुएशन में क्या करें हम? इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसमें रेट देखिए दो ऑप्शन होते हैं, फिक्स इंटरेस्ट रेट और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में आप जब लोन लेते हैं तो फिर लोन का अगर इंटरेस्ट कम होता है तो आपको कम, ज्यादा होता है तो ज्यादा देना पड़ता है, और फिक्स में जब आप लेते हैं तो भले कितना भी बढ़ जाए, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जब का डिफरेंस पड़ता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, तो ये बढ़ जाता है, तो इसमें फिर आप कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप जल्द से जल्द रिपे कीजिए या वन टाइम सेटलमेंट कर दीजिए। एब्रॉड इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर ओपन कैंडिडेट, इंटरेस्ट फ्री लोन ओपन कैंडिडेट के लिए एब्रॉड का कोई नहीं है, एक स्कीम थी पड़ो प्रदेश की, वो भी बंद की जा चुकी है, बट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की कुछ स्कीम है जिसमें आप बहुत 100 कैंडिडेट्स को महाराष्ट्र से सिलेक्शन करके भेजा जाता जाता है। अब उसके क्राइटेरिया अलग होता है, सब कुछ अलग होता है, उसमें आपको लोन तो बैंक के थ्रू ही मिलता है बट सब्सिडी मिलती है, पूरा 0 इंटरेस्ट नहीं होता लेकिन सब्सिडी जरूर मिलती है। सर, MBBS प्री वैकेंसी वालों को इस ईयर EBC का बेनिफिट मिलेगा क्या? देखिए, MBBS एडमिशन जो भी प्री वैकेंसी राउंड से होने जा रहे हैं ऑनलाइन, इसमें जो आपको अलॉटमेंट लेटर होगा CET सेल का, तो आपको जरूर इसका बेनिफिट मिलेगा। और सबसिक्वेंट राउंड भी जो होगा कि जैसे MBBS का कल स्टेट का रिजल्ट आ चुका, MCC का 26 तारीख को आएगा, इसके बाद में भी कुछ सीट्स अगर वेकेंट रहते हैं तो उन सीट्स के लिए भी सबसिक्वेंट राउंड होगा, वो ऑनलाइन होगा, उसके लिए चॉइस फिलिंग आपको अलग से करने की जरूरत नहीं, जो पहली चॉइस फिलिंग थी उस हिसाब से, तो उसमें भी बेनिफिट आपको हो जाएगा। इंस्टिट्यूट कोटा मधले ऍडमिशन झाला असता तर स्कॉलरशिप भेटेल का? भेटेल प्रणव गोसावी, मी 2-3 वेळा सांगितलेला आहे, राउंड 1 मध्ये कॉलेज भेटलं आहे, आता राउंड 2 मध्ये तुम्ही अपग्रेडला जाणार आणि त्यानंतर तुमचं ऍडमिशन कन्फर्म होणार। ऍडमिशन कन्फर्म झाल्यानंतर फीस तर तुम्ही पूर्ण भरावी लागते, भरलेली असेल, आता यानंतर तुम्ही स्कॉलरशिपला अप्लाय करणार आणि जी काय फी राहील EBC ची ती तुमच्या अकाउंटला परत येईल। ओबीसी कैटेगरी के लिए प्राइवेट हॉस्टल के लिए कौन सी स्कॉलरशिप है क्या? देखिए, ओबीसी कैटेगरी को से जो बिलोंग करते हैं वो उनको अलाउंस मिल जाता है, आप जब हॉस्टेलर होता क्या है वही मैं बता रहा हूँ कि आप ओबीसी स्कॉलरशिप को अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद में वहाँ डे स्कॉलर और हॉस्टेलर, तो आपने हॉस्टेलर को सिलेक्ट जब करते हैं तो वहां पर प्रूफ मांगा जाता है कि आप कौन से हॉस्टेल में, उसका एड्रेस दीजिए और वो प्रूफ दीजिए, तो वो आपके पास नहीं होता क्योंकि आप बाहर रूम शेयरिंग में रह रहे हैं। तो इसलिए मैंने पहले ही बताया कि रेंट एग्रीमेंट बनवाइए जहां पर आप रूम शेयरिंग में एज ए पेइंग गेस्ट रहते हैं और उसको अपलोड कीजिए, तो फिर आपको अलाउंस जो मिलेगा वो उस हिसाब से मिलेगा। और जो ओपन कैटेगरी के लिए है उनके लिए पंजाब राव देशमुख वसति गृह निर्वाह भत्ता जो होता है उसकी स्कॉलरशिप होती है, वो ओबीसी के लिए नहीं होती है। बिलो 8 लाख इनकम ग्रुप के लिए एट द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हाफ फीस के लिए GR भेजो ना प्लीज। ओके, ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कीजिए, उस पर आपको GR मिल जाएगा। सर, कुछ स्कॉलरशिप स्कीम के एंड डेट 30 सितंबर है तो हम उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं ना? देखिए, 30 सितंबर कौन से स्कॉलरशिप की डेट पता नहीं, लेकिन जो प्राइवेट के अगर बात कर रहे हैं तो मैंने पहले ही कहा कि एडमिशन के बाद में स्कॉलरशिप और एजुकेशन लोन की प्रोसेस शुरू होती है, तो अगर आपने एडमिशन ऑलरेडी ले चुके हैं आप, तो फिर एडमिशन जब तक आपका नहीं होता तब तक आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सर, कुछ स्कॉलरशिप स्कीम, ठीक है, BMS महाराष्ट्र फर्स्ट राउंड का कट ऑफ का देखकर कैटेगरी BMS में कम। देखिए, आज का प्रतीक्षा, आज से सेशन स्कॉलरशिप एंड एजुकेशन लोन है,
याकरिता तुम्ही आपले बाकी सेशन मध्ये विचारू शकता. डीम कॉलेज में ऍडमिशन लिया तर स्कॉलरशिप मिलेगी मिळणार का नाही, थोडासा झूम कर लेता दिख रहा होतो. ठीक आहे, इसमें के स्कॉलरशिप है MBBS आणि BDS अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत शिष्यवृत्ती अदा करण्यासाठी कुटुंबाच्या उत्पन्न मर्यादेत वाढ करणे. पहिले इसके 6 लाख इनकम क्राइटेरिया था, 8 लाख हो गया. 2018 का ये GR है और इस GR के बाद में लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई भी किया था बट अभी तक किसी को मिली नहीं है. बट लास्ट मंथ में फिर से नोटिफिकेशन आया है कि जिन्होंने भी अप्लाई किया होगा उन्हें ये जरूर स्कॉलरशिप का बेनिफिट होगा और ये कंटिन्यू होगा. तो इसमें शासन निर्णय जो है वो पढ़ लीजिए, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि 8 लाख से अंदर जिनका इनकम है उनको ये स्कॉलरशिप मिलेगी, जिसमें आपकी जो ट्यूशन फीस है वो हाफ हो जाएगी. अब ये हाफ हो जाएगी या फिर कुछ एक अमाउंट मिलेगी 8 लाख 10 लाख, ये अभी तक क्लियर नहीं है. तो जब फर्स्ट टाइम किसी को स्कॉलरशिप मिलेगी तभी मैं बता पाऊंगा. अब मैंने तकरीबन 37 स्टूडेंट्स का एप्लीकेशन किया हूँ. लास्ट ईयर 13 स्टूडेंट्स का किया था, उसमें से भी किसी को नहीं आई. 37 का इस साल किया हूँ अभी तक. जस्ट कल लास्ट डेट है सबमिशन की, इसके बाद में देखते हैं क्या स्कॉलरशिप अमाउंट आती है. मैंने पहले कहा कि महा डीबीटी स्कॉलरशिप में जब आप अप्लाई करते हैं तो नीचे बेनिफिशियरी अमाउंट आती है और बेनिफिशियरी अमाउंट यहाँ पर जीरो दिखा रही है. इसका मतलब है कि अभी तक गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से महा डीबीटी पोर्टल पर वो अपडेट चीजें नहीं हुई है. दूसरे एक ये भी GR देख लीजिए, ये देखिए वैद्यकीय शिक्षण आयुष महाराष्ट्र राज्य आर्थिक दुर्बल घटकातील पात्र विद्यार्थ्यांकडून प्रवेशाच्या वेळी शिक्षण शुल्काची 50% रक्कम शिक्षण संस्थांनी न घेण्याबाबत, मतलब जो नहीं ले रहे उनके उनके लिए ये GR है कि उन्होंने किसी भी हाल में, इसका मैं आदेश जो है वो पढ़ देता हूँ ताकि टाइम अपने पास कम है. देखिए इसमें क्लियर लिखा है कि विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती स्वरूपात अनुगिने होणारी शिक्षण शुल्काच्या रकमेचा भरणा प्रवेशाच्या वेळीच करण्याबाबत विद्यार्थ्याकडे आग्रह धरू नये व त्याकरिता प्रवेश नाकारण्यास टाळाटाळ करू नये. प्रवेश करण्यास आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील पात्र विद्यार्थ्यांच्या कडून, मतलब जिनका इनकम 8 लाख से कम है वो सब इसमें आ जाते हैं, प्रवेशाच्या वेळीच शिक्षण शुल्काच्या संपूर्ण रकमेचा भरणा करण्याबाबत आग्रह धरल्यास व तशी मागणी केल्यास अशा महाविद्यालया विरोधात यथायोग्य कारवाई करण्यात येईल. कब होगी कारवाई? जब आप कंप्लेंट करेंगे तब होगी ना. आप वहां पर जा रहे हैं, जब वो फुल अमाउंट मांग रहे हैं तो आप दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? कि आप नहीं देंगे तो कौन झगड़े 6 साल में फिर हमको कहीं ना कहीं फाइन बिठाएंगे, मार्क्स कम करेंगे, तो हम किस लिए बैठे हैं? आप मत झगड़िए, आप हमें एटलीस्ट तो बता तो दीजिए कि देखिए सर आपने GR बताया, बावजूद इसके इस कॉलेज ने हमारी फीस कम ले ली. कर्नाटक में लास्ट ईयर हमारे साथ हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में, कि KE कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी ने क्लियरली कहा था कि आपको 1 रुपया भी एक्स्ट्रा फी नहीं देनी है. बावजूद इसके जब कर्नाटका में बच्चे स्टूडेंट गए तो वहां पर 65,000, 85,000, 30,000 हर कॉलेज का वेरी करता था फीस ली गई डेवलपमेंट फी के नाम पर. हम जब उनको कह रहे हैं तो वो लड़ने के लिए तैयार नहीं है. जिन स्टूडेंट ने हमारी बात मानी उन्होंने कहा और उन्होंने एक ही काम किया कि जो फीस की रिसिप्ट थी वो हमें भेज दी, जो भी थी हमने उसको KE को भेज दिया, वो जितने कॉलेजेस ने फीस ली थी सबकी वापस हो गई. तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखें. चलिए, GR किसी ने मांगा था इसलिए मैंने उसको ओपन किया था. ओके, अक्षय डीम कॉलेज में एडमिशन लिया तो स्कॉलरशिप मिलेगी, मैंने बता दिया सर. प्लीज कैन यू प्रोवाइड दिस रिकॉर्डेड सेशन ऑन योर यूट्यूब चैनल? जी जरूर कोशिश करूंगा. सर MGM कॉलेज ऑफ महाराष्ट्र में स्कॉलरशिप मिलेगी क्या? देखिए MGM कॉलेज महात्मा गांधी विद्यालय जो मिशन डीम यूनिवर्सिटीज है, डीम यूनिवर्सिटीज महाराष्ट्र की जितनी भी उनके लिए GR लागू है. अब कब मिलेगी ये हम देखना है, लेकिन आपने फॉर्म फिलअप करना जरूरी है जो लास्ट डेट कल है. अब लास्ट डेट अगर कल है तो एटलीस्ट एक काम कीजिए, अगर आपके पास डोमिसाइल इनकम सर्टिफिकेट अगर नहीं भी होगा तो भी कुछ ना कुछ करके कल इनकम सर्टिफिकेट बनवाइए, फौरन बन जाएगा अगर आप थोड़ी कोशिश करेंगे, और उसको सबमिट कीजिए. नहीं भी होगा तो भी रजिस्ट्रेशन कीजिए और सबमिट कीजिए, बाद में क्वेरी आएगी साल भर हम उसको डॉक्यूमेंटेशन को अपडेट एडिट कर सकते हैं, लेकिन सबमिट कल जरूर कीजिए. सर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों स्कॉलरशिप एक साथ ले सकते हैं? मैंने बताया साहिल, दोनों स्कॉलरशिप आप एक साथ ले सकते हैं, गवर्नमेंट की एक और प्राइवेट कितनी भी लीजिए. सर कॉलेज और डिग्री वालों का ही है, 9th 10th वालों की नहीं है क्या स्कॉलरशिप?
शबनम भगवान, आपके लिए, आप माइनॉरिटी से बिलोंग करती है, आपके लिए एक ही स्कॉलरशिप है बेगम हजरत महल की, जो आपको 9th में 5,000, 10th में 5,000, 11th में 6,000 और 12th में 6,000 मिलेंगे। और ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एनएसपी स्कॉलरशिप है, जो तकरीबन स्टार्ट होगी, हर साल जुलाई में स्टार्ट होती है, लेकिन अब नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट हो जाएगी। एनएसपी स्कॉलरशिप का बायोमेट्रिक होने के बाद अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आई, कब तक स्कॉलरशिप मिलेगा सर? देखिए अरबाज, एनएसपी का जो बायोमेट्रिक हुआ था वो इसलिए नहीं हुआ था कि स्कॉलरशिप मिलेगी, जिनको सैंक्शन हुआ है उन्हीं की स्कॉलरशिप आएगी, लेकिन बायोमेट्रिक जो करना था वो हर किसी ने करना था। अब सबकी आ भी रही है, तो हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, अगर एक हफ्ते भर में नहीं आती तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सअप करें। प्राइवेट स्कॉलरशिप कौन से बारे में बताइए सर? तौफीक खतीब, आप लेट ज्वाइन हुए क्या पता नहीं, प्राइवेट स्कॉलरशिप के सब डिटेल्स मैंने बताए हूँ, फिर भी टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन हो जाइए, वहां पर सभी अपडेट आपको मिल जाएंगे। प्राइमरी स्कूल टीचर और सेकेंडरी स्कूल टीचर के बच्चों के लिए कोई स्पेसिफिक स्कॉलरशिप है क्या? प्रधान सर, ऑलरेडी पहले थी आपको पता है पीटी से, लेकिन अभी आप सबका इनकम 8 लाख से ज्यादा जा रहा है, इसलिए वो स्कॉलरशिप अब नहीं मिलेगी। 8 लाख से कम स्कॉलरशिप हो इनकम होगा तो आपको बाकी सारी स्कॉलरशिप अवेलेबल है। सर, कैन यू टेक मोर देन वन प्राइवेट स्कॉलरशिप? यस ऑफ कोर्स, आप 4-5 स्कॉलरशिप को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट स्कॉलरशिप और फार्मेसी, फार्मेसी की देखिए आपकी सिप्लान कंपनी है, उसी के साथ में और भी फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज है जिनकी स्कॉलरशिप आती है, गोवा के, हिमाचल प्रदेश के, उत्तराखंड के, सभी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के स्कॉलरशिप्स आते हैं। आप बड़ी फॉर स्टडी और विद्यासारथी पे रजिस्टर्ड कीजिए, आपको मिल जाएंगे। सर, इंस्टीट्यूशनल कोटा में ईबीसी ईडब्ल्यू स्कॉलरशिप मिलता है कि? इंस्टीट्यूशनल कोटा मीन्स अगर आपके पास अलॉटमेंट लेटर इंस्टीट्यूट का होगा तो यहाँ आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, लेकिन अगर माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो 50,000 की गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की माइनॉरिटी स्कॉलरशिप आपको जरूर मिलेगी। कर्नाटका डीम यूनिवर्सिटी के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं है, कोई योजना नहीं है। बीएमएस मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए भी कोई योजना नहीं है। यहाँ पर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। ईयरली 25,000, अगर आप हॉस्टल में रहते हो 30,000 की स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हैं, उसको आप अप्लाई कीजिए। कहोगे सर क्या सीईटी के क्लास के लिए कुछ स्कॉलरशिप मिल सकती है क्या? मैंने पहले कहा एजुकेशन परस्यू के लिए मिलती है, 11th 12th के लिए 5,000 से ज्यादा स्कॉलरशिप नहीं मिलती, सीमा खतीब की है, लेकिन अगर वो आपको 10th में 90% होंगे तो। सर, ओबीसी के लिए 50% स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन दूसरी स्कॉलरशिप ले सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, गवर्नमेंट की आप एक ही स्कॉलरशिप ले सकते हैं, प्राइवेट स्कॉलरशिप जरूर ले सकते हैं। सर, व्हाट्सएप ग्रुप किसी ने पूछा, यासिर शेख ने, व्हाट्सएप ग्रुप पर अगर आप ज्वाइन होते तो पिछले स्कॉलरशिप की डिटेल्स नहीं देख पाते, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक और एक बार मैं डाल देता हूँ यहाँ पर, सर प्लीज डालिए, ताकि लिखे वहाँ ज्वाइन दिस टेलीग्राम, ताकि स्टूडेंट के समझ में आ जाए। सर, 8 लाख से इनकम बढ़ी है क्या? अभी तक तो नहीं बढ़ी, सभी ने एप्लीकेशन किए हुए, निवेदन दिए हुए, जरूर कुछ दिनों के अंदर बढ़ जाएगी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आती है, सर 8 लाख से इनकम बढ़ी क्या? सर, स्टूडेंट लोन के लिए सिबिल मैटर करता है क्या? बहुत मैटर करता है, हालांकि सिबिल की वजह से आपको रिजेक्शन नहीं करना चाहिए, बैंक ने ऐसा जीआर भी है, लेकिन फिर भी सिबिल अपना अच्छा रखिए। रीपेमेंट के बारे में थोड़ा बताएं सर। देखिए, रीपेमेंट शेड्यूल जो होता है, कोर्स कंप्लीट होने के बाद 6 महीने जॉब सर्चिंग पीरियड, या फिर आपको जॉब लग जाए तो उस वहां से आपका रीपेमेंट स्टार्ट हो जाता है। जो मौलाना आजाद महामंडल या फिर माघा स्वर्गीय महामंडल में आपको क्वार्टरली पे करना होता है, बैंक में आपको मंथली पे करना होता है। बट ये बात सुनिश्चित कर लीजिए कि एजुकेशन लोन में आप हॉलीडेज पर चले जाते हैं, मतलब लोन लेते हैं और आप हॉलीडेज पर चले जाते हैं, और उसके बाद में आप रीपेमेंट जो करते हैं वो कोर्स कंप्लीट होने के 6 महीने के बाद, और कुछ केसेस में 1 साल के बाद में, वहां से आगे 5 साल, 7 साल, 15 साल तक का टेनोर आप ले सकते हैं एज पर आपकी लोन अमाउंट। वी गॉट एजुकेशन लोन ऑन पेरेंट्स बैंक अकाउंट और ऑन स्टूडेंट बैंक अकाउंट। स्टूडेंट का बैंक अकाउंट जरूरी होता है और पेरेंट को एप्लीकेंट होते हैं तो उनका भी अकाउंट जरूरी होता है। 8 लाख से ऊपर वाले इनकम के लिए कोई भी स्कॉलरशिप नहीं है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। डीम यूनिवर्सिटी में पीजी के लिए स्कॉलरशिप के बारे में बता दे, कोई स्कॉलरशिप नहीं है, सिर्फ आपको माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो माइनॉरिटी की एनएसपी स्कॉलरशिप पीजी की मिलेगी आपको 25,000 ओनली। स्टूडेंट लोन के लिए सिबिल स्कोर का बता दिया। आइडियल करियर सेंटर टोल फ्री नंबर यहाँ पर 8623853 आपको भेजा हुआ है,
आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर क्लियर नहीं है, एक एटीकेटी है तो स्कॉलरशिप मिलेगी क्या? महाराष्ट्र में मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप एटीकेटी अभी है क्लियर होने के बाद में सेकंड ईयर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, और इसमें गैप का जो है एक क्वेश्चन आया भी होगा आगे तो पता नहीं, 3 साल से ज्यादा का गैप नहीं चलता महाराष्ट्र के लिए। लोन दिया है लेकिन कहाँ पे ज्वाइन नहीं, तो रीपेमेंट के लिए कितना पीरियड एक्स्ट्रा ले सकते हैं? रीपेमेंट के लिए एक्स्ट्रा पीरियड जो दिया गया है उसी में रीपेमेंट आपको करना है एनी हाउ, और नहीं करते तो थोड़ा सा बैंक से आप पत्र व्यवहार कीजिए और उनसे टाइम मांगिए, वो दे देंगे बढ़ाकर। आप इतना हम सभी के लिए नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन देते हैं, आपका प्रेशियस टाइम देते हो, और आपके आइडियल टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू शमना शेख मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। सर मेरे पास ओबीसी के सभी डॉक्यूमेंट्स हैं लेकिन सीईटी की तरफ से दो सेकंड राउंड में एडमिशन ओपन में आया है तो क्या करें? अच्छा, मेरे पास ओबीसी के सभी डॉक्यूमेंट है लेकिन आपको ओपन में से सीट अगर अलॉट हुई है लेकिन कैटेगरी आपकी ओबीसी है रजिस्ट्रेशन के वक्त में, तो आप ओबीसी स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो ईबीसी लीजिए, ओबीसी और ईबीसी में दोनों तरफ आपकी फीस हाफ हो जाती है। प्राइवेट स्कॉलरशिप फॉर ओबीसी, प्राइवेट स्कॉलरशिप सभी के लिए कॉमन होती है, वहां पर ओबीसी वगैरह नहीं होता है। सर आईक्यू कोटा से एडमिशन हुआ तो फीस आधी ही भरना पड़ेगी, ओबीसी और इनकम 8 लाख से कम नहीं। इंस्टीट्यूट कोटा से एडमिशन लेंगे तो वहां पर आपको पूरी फीस भरनी है, फिर बाद में आपको स्कॉलरशिप अप्लाई करनी, तब जाके आधी फीस आपकी वापस आएगी। लेकिन इंस्टीट्यूट कोटा जो राउंड थ्रू होता है, मैनेजमेंट कोटा की बात नहीं कर रहा। सर पे स्लिप के ऊपर एजुकेशन लोन मिल सकता है क्या? जरूर, पे स्लिप तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, मतलब आपकी सैलरी स्लिप की बात कर रहे होंगे तो मैं सैलरी स्लिप बोल रहा हूँ कि सैलरी स्लिप जो होती है उसी पर सब कुछ डिपेंड होता है। मदर का कास्ट सर्टिफिकेट है तो क्या काम बनेगा? नहीं, कास्ट सर्टिफिकेट बिलोंग करता है आपके पैरेंटल साइड से, फादर साइड से। एजुकेशन लोन के लिए इनकम कंडीशन है क्या सर? जी इनकम कंडीशन कुछ नहीं, लेकिन आप रीपे कैसा करेंगे वो भी तो आपको बैंक को समझाना है, और अगर नहीं है तो फिर आपको गारंटर देना है, तो गारंटर होगा तो फिर कोई जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र माइनॉरिटी स्टूडेंट्स अगर दूसरे स्टेट में पढ़ाई कर रहा है तो उन्हें महाराष्ट्र माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप मिलेगी क्या? अगर वो आप जहां पर पढ़ाई कर रहे हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, IIT, NIT या फिर जिपमर इस तरह के, तो मिलेगी, या गवर्नमेंट कॉलेज है तो मिलेगी। प्राइवेट कॉलेज होगा तो महाराष्ट्र की नहीं मिलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की 25,000 की मिलेगी। हस्बैंड कास्ट में नहीं आते, पेरेंटल साइड से। जो कास्ट का जब एक अलग सेशन लेंगे तब इस पर मैं बात करूंगा आपको। टेलीग्राम चैनल की लिंक सभी को दी गई है, आप चैट बॉक्स में से देखें, उसे ज्वाइन हो जाए। कल से आपको सभी स्कॉलरशिप के अपडेट से लेकर सब कुछ मिलेगा। सिर्फ सिविल इज नॉट गुड बट गारंटर हैज गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा, गवर्नमेंट जॉब वाला गारंटर होगा तो आपको हर बैंक लोन देगी। यूजी कोर्स के बाद डायरेक्ट जब पीजी कोर्स करते हैं तब रीपेमेंट के प्रोसेस कैसे रहता है? देखिए उसमें फिर दो ऑप्शन होता है कि पीजी जब करेंगे आप तो आप पूरा लोन रीपे करके नया लोन ले सकते हैं, या फिर पीजी के इसमें आपको पे करना होगा, अलग अलग उसमें अलग अलग कंडीशंस होते हैं। सर मैं रिटायर्ड टीचर हूँ, मुझे ही पेंशन 35,000 मिलती है, क्या मैं स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हूँ? हाँ, आपको फिर आपके स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल है। आप MGM BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर में एडमिशन अभी लिए हैं तो उसको स्कॉलरशिप मिलेगी का? देखिए प्राइवेट स्कॉलरशिप MGM में नर्सिंग को लिए हैं तो आप NSP पोर्टल जब स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट मंथ में तब अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप नर्सिंग से रिगार्डिंग है तो नरगिस दत्त स्कॉलरशिप को भी आप जरूर अप्लाई करें। सर इफ सिबिल इज नॉट गुड बट गारंटर एज गवर्नमेंट जी, सर प्राइवेट स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं? मैं स्क्रीनशॉट आपने शायद नहीं निकाला होगा तो कोई बात नहीं, टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। सर ओबीसी कैटेगरी के लिए एजुकेशन लोन कैसे लें? देखिए ओबीसी कैटेगरी के लिए एजुकेशन लोन ऐसा नहीं है, आप एजुकेशन लोन लेंगे बैंक से और वहाँ उसके बाद में जो ओबीसी की जो संस्था है, महामंडल जो कॉरपोरेशन है, उनकी वेबसाइट पर जाके आपने रजिस्ट्रेशन करना है और उसको अपलोड करना है कि आपने यहाँ से बैंक लोन लिया है, फिर उसके बाद में फिर जो ओबीसी की स्कीम जो है वो आपको मिलेंगे। कल कौन सी लास्ट डेट है स्कॉलरशिप की? जो लोग डीम्ड यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर MBBS BDS में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए जो महाराष्ट्र सरकार की जो स्कॉलरशिप है फर्स्ट ईयर में, लेकिन लास्ट ईयर वाले 22-23 वाले जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है वो अगले महीने से अप्लाई कर सकते हैं। ये लास्ट ईयर वालों की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने लास्ट ईयर में एडमिशन लिया है उनके लिए लास्ट डेट है।
चलिए चैट बॉक्स के सभी हो गए, इकरा अली का सबसे लास्ट ले रहा हूँ, इसके बाद चैट बॉक्स में कोई ना लिखे कुछ। सर हाउ डू वी गेट ईबीसी स्कॉलरशिप, मीन्स इज देर एनी स्कॉलरशिप साइट फॉर ईबीसी। राजश्री छत्रपति शाहू महाराज स्कॉलरशिप का नाम है, वो आप अप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगी। सर और भी सेशन होंगे क्या एजुकेशन लोन पे? जी जरूर, सिर्फ एजुकेशन लोन पर नहीं, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिस पर होगी, गवर्नमेंट के स्कीम पर होंगे, बांधकाम कामगार पर होंगे, जिसमें अगर आपके रजिस्टर्ड लेबर हैं आपके पेरेंट तो 1-1 लाख रुपए तक की मेडिकल के लिए स्कॉलरशिप मिलती है, और भी बहुत सारे एजुकेशन लोन पे सेशन होंगे, संडे टू संडे ही होंगे, अभी आज संडे तो अगला सेशन अगले संडे होगा, लेकिन अपडेट्स के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना पड़ेगा ताकि वहां पर स्कॉलरशिप और एजुकेशन लोन और जो भी कोई गवर्नमेंट स्कीम है उसके अपडेट आपको मिलते रहेंगे। अपना ऑफिस किधर है सर? जी कराड़ डिस्ट्रिक्ट सातारा में ऑफिस है और उसी तरह पुणे में भी है, लेकिन वहां पर सिर्फ एडमिशन प्रोसेस से रिगार्डिंग काम होता है, और जो स्कॉलरशिप वगैरह के लिए आपको व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर आप करेंगे तो ऑनलाइन पे भी काम हो जाता है, आपको ऑफिस आने की जरूरत नहीं होती है। एचडीएफसी का फास्ट लोन होता ना, ठीक है ना, तो आपके कन्विंस के हिसाब से आप किसी भी बैंक से ले सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, लेकिन सर बता, 5 साल का फीस स्ट्रक्चर पूरे 5 ईयर्स का लेना? जी जी, 5 ईयर्स का पूरा फीस स्ट्रक्चर, कॉलेज का? जी जी, कॉलेज का पूरा फीस स्ट्रक्चर आपका 5 ईयर्स का जो है वो पूरा लेना है, और बोनाफाइड सर्टिफिकेट और उसके साथ में पेमेंट रिसीट, जो आपने फीस पे की है वो रिसीट, ये 3 रिसीट जरूरी है। अच्छा, अपने जो अपने जितने स्टूडेंट गए हैं बांग्लादेश में अभी पढ़ रहे जी, उनका एजुकेशन लोन हो गया? जी तकरीबन सभी का हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैक्सिमम कोई कॉलेज नहीं, शाहबुद्दीन नहीं, पॉपुलर ऐसे फिक्स कॉलेज से हुआ क्या ऐसा कुछ? सब कॉलेज नहीं, हर कॉलेज में स्टूडेंट्स, हर कॉलेज वालों का होता है, क्योंकि देखिए एजुकेशन लोन डिपेंड करता है कि आप सिक्योरिटी क्या प्रोवाइड कर रहे हैं बैंक, इस पे डिपेंड करता है, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो देखा जाता है, आपका सिविल स्कोर देखा जाता है, तो फिर वहां पर डजंट मैटर कंट्री कौन सी है। ओके 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 जी। अच्छा, नहीं इजीली हो जाता है? इजीली हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अपन समझे 40 लाख का हो गया फीस, अपना स्ट्रक्चर है तो 40 लाख मिल सकता, टोटल मिल सकता कोई स्टूडेंट के लिए? हाँ, फीस स्ट्रक्चर 40 लाख है तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन 50 लाख अबव चाहिए। ओके जी, तो पूरा लोन मिल सकता है? पूरा लोन मिल सकता है। तो चलिए, चैट बॉक्स में भी सबका मैंने सवालों के जवाब दिए हैं, होपफुली आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और जितना भी कोशिश किए हैं कि जितना भी 1-1.5 घंटे में आपको मालूमात दे सकूं दिया हूं। यूट्यूब चैनल मालूमात सेंटर को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस वहां पर देखने मिलेंगे, और जो टेलीग्राम चैनल के लिंक यहां पर दी हुई है उसको भी आप ज्वाइन करें तो सभी चीजें वहां पर आपको मिल जाएगी। चलिए, आज 11 बज चुके हैं, 12 बजे तक मध्य प्रदेश का आयुष काउंसिलिंग का चॉइस फिलिंग भी मुझे करना है, और उसी के साथ में कल कुछ और भी स्टेट्स का MBBS का लास्ट राउंड है तो थोड़ा सा उसका भी प्रिपरेशन करना है, कुछ स्टूडेंट्स बचे हैं जिनका एडमिशन कल तक होना जरूरी है चॉइस फिलिंग, तो मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा, आप सभी का शुक्रिया कि आपने पूरा 9 से 11 2 घंटे इस सेशन को सुना, मुझे बर्दाश्त किया, और इसलिए आप सभी को थैंक्स अलॉट, और मैं कमेंट भी देख रहा हूँ, बहुत अच्छे व्यूज सब लोग दे रहे हैं मुझे, और आपके यही कमेंट्स और मोटिव क्या कहेंगे हौसला अफजाई मेरे लिए एक बूस्टर का काम करती है, और जरूर जब भी जरूरत होगी तो इमरजेंसी में भी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, रात में 9 बजे का ये टाइमिंग हमेशा रहता 9 का, लेकिन संडे हमेशा ध्यान में रखिए यही लिंक रहेगी पूरे साल भर, लाइफ टाइम यही लिंक रहेंगे इंशाल्लाह, 9 बजे का टाइम रहेगा हर संडे को, और किसी न किसी टॉपिक पर उस पर सेशन होता रहेगा। तो चलिए, सभी से इजाजत चाहूंगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, शुक्रिया, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद।